श्री कृष्ण कहते हैं कि जिज्ञासु मर्यादा पालन करने वाला और जीवन के सार को समझने वाला। वहाँ क्या कर रहा है? भगवत गीता सुन रहा हूँ पापा। भगवत गीता? उसमें क्या है मुझे नहीं समझ में आता, तू क्या समझेगा? कृष्ण भगवान ने जो कहा मैं समझता हूँ पापा। जिज्ञासु को ही उत्तर। सुनिए, आकर नाश्ता कर लीजिए। हाँ आता हूँ। तू भी नीचे आकर नाश्ता कर ले, चल। भगवत गीता सुनने से भूख नहीं लगी पापा। ये पागल हो गया है, पूरा पागल हो गया है। बच्चों को क्रिकेट का पागलपन होता है, टीवी का पागलपन होता है, और इसे कृष्ण का पागलपन कैसे चढ़ गया है? तू पहले नीचे आ। यदि आप जिज्ञासु नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोलो मोर पंखधारी मुरली बजैया भरतरी गोविंदा की जय। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। कृष्ण की महिमा अपरंपार है, कृष्ण उदार है, कृष्ण प्रेम है। कृष्णा यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानन्दमधर्मस्य संभवामि युगे युगे। तुम ठीक तो हो ना? देखकर चलना चाहिए ना बेटा। तुम्हारा घर कहाँ है? वहां। ध्यान से जाओ। माँ, माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, कृष्ण भगवान मेरे लिए पुलिस के भेष में आए। मैं भी उन्हीं की तरह पुलिस बनूंगा माँ। इसका एक पागलपन अभी कम नहीं हुआ कि दूसरा पागलपन शुरू हो गया? ओहो, आप चुप हो जाइए ना मेरा बच्चा। डीएसपी। ये हर बर्थडे पर एक प्रमोशन मिल रहा है मेरे बच्चे को। हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनिए, वहाँ देखिए ना, ऐसा लग रहा है वृंदावन में कृष्ण पुलिस यूनिफॉर्म में गोपियों के साथ खेल रहा है। इसका नाम राधा कृष्ण क्या रख दिया? खुद को कृष्ण भगवान समझने लगा है। नागेश गैंग के लोग पुलिस को मारकर फरार हो गए। हे भगवान, अगर उसने समाचार सुन लिया ना तो उसके गुस्से को कोई नहीं रोक सकता, छुपाना पड़ेगा। बहुत देर कर दी पापा, उसने कल रात को ही टीवी पर न्यूज सुनी और वो घर से चला गया। पुलिस को कोई कुछ कह दे तब तो उसे गुस्सा आ जाता है, यहाँ तो पुलिस वाले को मार कर भाग गया है। गए, अब तो गए। अंधेरा होने से पहले चेन्नई, वहाँ से श्रीलंका, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तुझे हमसे क्या काम है? यदा यदा ही धर्मस्य। समझ में नहीं आया? दुष्टों को सजा और लोगों की रक्षा करने के लिए ही उस समय श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, अब पुलिस ने जन्म लिया है, तो ऐसे में पुलिस वाले को मारना गलत बात है ना? इसका मतलब तुम पुलिस हो? क्या कहा? तुम पुलिस हो क्या? एक और बार बोलना, तुम पुलिस हो क्या? काफी है, बचपन में सब यही बोलते थे कि तू पुलिस वाला बनेगा, लेकिन तुमने मुझे पुलिस कह के बुलाया। क्या मैं पुलिस की तरह दिखता हूँ? मतलब तू पुलिस नहीं है क्या? हाँ, वो पुलिस है। ए, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे डायलॉग्स मेरे सामने नहीं बोलेगा। चलो जाके गाड़ी में बैठ जाओ, चलो जल्दी लेके जाओ इसे, जाओ। इन बदमाशों को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया भाई? कभी कभी दिमाग चलाता रहता हूँ। वो ठीक है। हाँ। हमारे डीजीपी एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, सच में? हाँ। चाचा ये स्टार्स बड़े अच्छे हैं, क्या मैं दो ले सकता हूँ? पागल हो गए हो क्या? पहले चलो मेरे साथ, चलो। चलो चाचा। डिपार्टमेंट की हेल्प करने के लिए थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। वैसे तुम करते क्या? मैं कब पुलिस वाला बनूंगा उसी का इंतजार कर रहा हूँ सर। मैं समझा नहीं। आपने नोटिफिकेशन अगले साल देने का फैसला किया है सर, जरा उसे जल्दी ही दे दीजिए ना। मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा। पुलिस के लिए तुम्हारा पैशन मुझे पसंद आया, अगर तुम्हें जॉब दे दूं तो ड्यूटी सिंसियरली करोगे? सर देखकर तो देखिए ना, सारे क्रिमिनल्स की बाट लगा दूंगा।
सोने को कभी जंग नहीं लगता सर, अपनी वर्दी भी सोना ही है ना। स्पेशल कंसिडरेशन के तौर पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। वैसे मेरी पोस्ट कमिश्नर की होगी या असिस्टेंट कमिश्नर की? तो हम क्या करेंगे? ओ, कम से कम एक डीजीपी या एसपी। तो वो क्या करेंगे? तो एक सीआई की पोस्ट है। तो मैं सिर्फ एसआई की पोस्ट मिलेगी, मंजूर है या नहीं? सर आपने पुलिस का जॉब दिया है, यही काफी है सर। आपके रिटायरमेंट से पहले मैं डीजीपी तो बनी जाऊंगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। Like this. शैम्पू रख दिया? रख दिया। कंडीशनर रख दिया? रख दिया बेटा। और बॉडी स्प्रे? भूल गई, अभी लाती हूँ बेटा। क्या हुआ, कान में कैप्स लगाया है? सर में दर्द है? हाँ जीजू, मैटर क्या है? ज्योति फिर से रूठ गई। उसका वो जन्मसिद्ध अधिकार है। जीजू आपको एक बात बताता हूँ, लड़कियां शादी होने तक खिलौने के साथ खेलती है, लेकिन बाद में पति के साथ ही खेलती है। सही है साले साहब। वैसे भी पुलिस के घर में क्या पंचायत है? एफआईआर फाइल कर दूंगा, आप कहो तो कर दूं जीजू। हेलो सर, आप अभी तक पुलिस बने नहीं, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ये लो ऑफर लेटर। वक्त हो गया है, अब निकलो। तेरे लिए दुआ करके भगवान कृष्ण के चरणों में रख कर लेकर आए हैं तेरे पापा। पापा मेरे लिए पूजा? ठीक है, अपनी सेंटीमेंट्स अपनी जगह रहने दो। काफी है, इतना काफी है। सुजाता। नमस्ते। कैसे हो? ठीक हूँ। मेरी पार्टी में आ जाओ, सीएम बनने के बाद तुम्हें होम मिनिस्टर बना दूंगा। मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए सर, मिनिस्ट्री ही काफी है। नमस्कार। नमस्कार। सर सडनली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कोई खास बात है क्या? अगर नहीं होती तो आपको क्यों बुलाते? सर क्या अगले इलेक्शन में भी आप ही सीएम के उम्मीदवार होंगे? देखो बेटा, तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग इंसान हो तो क्या तुम उससे अपना काम करवाना पसंद करोगी? नहीं सर। इस उम्र में मुझसे अब काम नहीं होता, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बात यह है कि इस टर्म के बाद मैं राजनीति से रिटायरमेंट ले रहा हूं। आने वाले इलेक्शन में हाई कमान ने मुझे ही सीएम कैंडिडेट को रिकमेंड करने के लिए कहा है। मैं इस राज्य का सीएम हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं और करूंगा भी। जल्द ही वो नाम डिक्लेयर कर दूंगा। चलता हूं बेटा, जय हिंद। नमस्कार। सुजाता सर, मेरे अलावा अगर किसी और को सीएम कैंडिडेट के लिए चुना तो खत्म कर दूंगा उसे, बोल देना उसको। ये ऑफिसर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारी तो बैंड बजा रहा है। खामोश, तुम्हारे पास बातों के सिवाय कोई काम नहीं है, क्विक। क्या कर रहा है बेटा? पुशअप कर रहा हूं सर। अब ठीक से कर। कौन है बे तू? मैं कौन हूँ? पिछले साल रेस में फर्स्ट कौन आया था? कौन? मैं आया था। इतना ही नहीं, हाई जंप में फर्स्ट, लॉन्ग जंप में फर्स्ट, रिटन एग्जाम में भी फर्स्ट आया था सर। तो सब में फर्स्ट आकर ट्रेनिंग के लिए क्यों लेट हो गया? सॉरी सर, इतनी कम उम्र में इतने बड़े ऑफिसर बन गए, आई कांट बिलीव इट, यू नो। थैंक्स ब्रो। ब्रो परेड सावधान। आचार्य देव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन कौन हो तुम? ट्रेनिंग के लिए आया हुआ एसआई हूँ सर। ट्रेनिंग लेने वाला वहाँ रहता है, देने वाला यहाँ रहता है। मैंने कब की ट्रेनिंग फिनिश कर ली है सर? कहाँ पे की ट्रेनिंग? हमारे गांव के ग्राउंड में। क्या कह रहे हो? एकेडमी का सारा सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ लिया है सर। आपको मदद चाहिए तो कहिए, उल्टा इन्हें ट्रेनिंग भी दे दूंगा। बकवास बंद कर, जाकर खड़ा हो जा। ठीक है सर। हाय ब्रो।
ये रंग रूट कैसे आया? अपॉइंटेड बाई DGP सर, लोग पुलिस बनकर क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, ये क्रिमिनल्स को पकड़कर पुलिस बन गया सर। अच्छा है ना? मस्त है। वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। सावधान, सुबह 5 बजे जागना पड़ेगा। 4 बजे ही जाग जाएंगे सर। 5:30 बजे ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 10 चक्कर लगा लेंगे सर। कंट्रोल कीजिए सर, खुद पे कंट्रोल कीजिए। अगला टास्क सर। टास्क पूछ रहा है, सुनो कैडेट्स, परेड मार्च पास्ट। चल बे। रिटायर होने से पहले ये नमूना कैसे मिल गया? अबे तू बचपन से ऐसे ही है क्या? बंद करके अपना काम कर। वही तो 79, 85 सर, ये चीटिंग कर रहा है सर। तू फिर से शुरू कर। ये गेम मुझे पसंद नहीं आया। क्या ही है, जा रहा हूँ मैं। अरे 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 अरे, क्या ये सब है, सुन तो। 5 राउंड हो गए डैडी। यहाँ तेरा डैडी कौन है? मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कोई पसंद आता तो मैं रिलेशन बना लेता हूँ। वैसे अगला टास्क क्या है डैडी? जाकर 10 राउंड मार कर आ। ओके ब्रो, वॉकिंग पर चले। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चला। ओके, पहले बता देना तू खाता क्या है। अप अप अप, हे कम ऑन मैन। द्रोणाचार्य, सारे चढ़ लिया, नेक्स्ट क्या है? मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरी हाइट देखिए और उसकी हाइट देखिए, थोड़ा नीचे करवाइए ना सर। जैसे हैं वैसे ही चढ़ने पड़ेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। सुनिए, ये गेम मुझे पसंद नहीं आया। गेम? अरे इसे गेम लग रहा है? ओहो, ये नमूने मुझे कहाँ से मिल गए? एनकाउंटर। तू यहाँ क्या कर रहा है? सर, एंटायर एकेडमी में यही सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है सर। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? टेररिस्ट घुसा है क्या? ये गोलियों की आवाज कहाँ से आ रही है? गोलियों का स्टॉक आज ही आया है, लेकिन वो सारी गोलियों को दिवाली में पटाखे की तरह आज ही उड़ा रहा है सर। ही इज वेरी बैड स्टूडेंट, उसे अभी बाहर का रास्ता दिखाइए सर। अगर सारी गोलियां खत्म हो गई तो फिर ट्रेनिंग कैसे होगी? कोई फायदा नहीं है, इसे वेपन से दूर रखना होगा। अब ओनली फिजिकल ट्रेनिंग इसके लिए। ये काम कर तूने चादर क्यों ओढ़ रखी है? निकल यहाँ से, निकल। ठीक है सर। ए देखा ना? अबे कोरे कागज से क्या कॉपी करेगा? ले लिख ले, ले। परेड सावधान, स्वैप। मैं सैनिक भारतीय संविधान का पालन करने की शपथ लेता हूँ। भारतीय संविधान का पालन करने की शपथ लेता हूँ। अपने देश की रक्षा करूंगा, अपने देश की रक्षा करूंगा। आचार्य देव, तुम्हें विजयनगर में पोस्टिंग मिली है? विजयनगर? बरहानपुर पुलिस स्टेशन। बरहानपुर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैडी, गॉड ब्लेस। चलता हूँ। मुझे कहाँ पोस्ट किया? नाला सोपारा। पार्क में? नहीं, फॉरेस्ट में। मैं नहीं जाऊंगा सर फॉरेस्ट में। तो फिर खाद खुजा, बत्ती बुझा, जा सो जा। आप ये सही नहीं कर रहे हैं सर। सालों पुराने स्कैम को बाहर लाकर उस होम मिनिस्टर से जो बदला लेने की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है सर। क्या हुआ, तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो है? ताकि वो CM बने और तुम होम मिनिस्टर? अरे नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए सर। 4 महीने बाद इलेक्शन होने ही वाले हैं। अब पार्टी के भविष्य के सामने आपके झगड़े कोई मायने नहीं रखते सर। बोल दिया ना, पुराने पार्टी वर्कर हो इसलिए तुमसे इतनी देर तक बात की है मैंने। चलो अब जाओ। जैसा आपको ठीक लगे सर। हाँ ठीक है, ठीक है। बरहानपुर आ गया, बरहानपुर। बरहानपुर किट्टू, आज ही पहली बार ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। सारे क्रिमिनल्स को पकड़वा कर मुझे जल्द ही कमिश्नर बना दो। आप बना दोगे ना? मुझे पता है, आई नो। नमस्कार सर। कौन हैं आप लोग? अगर आप सर हैं तो हम कांस्टेबल्स हैं। कांस्टेबल?
यूनिफॉर्म कहाँ है? यूनिफॉर्म को तो अच्छे से धोकर आयरन करके समेट कर अलमारी में रख दी। लाठी लेकर आ। अच्छा है, अब देखने लायक लग रहे हो। आपका नाम? पार्थ है सर। पार्थ मतलब अर्जुन। अर्जुन इतने दिन बाद मेरी लाइफ में आए हो। मैं? तुम्हारा नाम? नकुल सर। अपना नकुल? तो तुम युधिष्ठिर हो, तुम सहदेव हो। अरे वाह, अपनी फैमिली तो यहीं पर है। वैसे अपना मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर? ओ, ओ, पुलिस स्टेशन। क्या है ये? पुलिस स्टेशन है। वो क्या है ना सर कि लोग इसे बाजार, जिम, लाइब्रेरी और ऑल इन वन की तरह यूज कर रहे हैं ना। सर एक मिनट, चल चल चल, समय के चल रहे, ए ऑटो रे, चलो जाओ, बाबूजी उठिए, क्या बैठे हैं, चलिए चलिए, चलो चलिए, साफ करो। हमारे ना आने से भूत बंगले से भी बदतर बन गया है। स्टेशन का फर्नीचर कहाँ है? दीमक खा गए सर। FIR की बुक्स कहाँ है? खरीद कर ले आता हूँ सर। खरीद कर लाओगे? वो क्या है ना कि सर यहाँ ज्यादा काम नहीं है। देश में ये एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है। यहाँ गुंडे या झगड़े नहीं होते। जीरो क्राइम रेट सर। जीरो क्राइम? क्राइम रेट? गांव का नाम सुनकर ही मुझे खून की नदी याद आ गई। रहने दीजिए सर, यहाँ तो लोग दिवाली पे भी बम नहीं चलाते। हाँ सच कह रहा हूँ। क्रिमिनल्स को ऐसे मिटा दूंगा सर। क्या हुआ कृष्णा, ड्यूटी अच्छी तरह ज्वाइन कर ली? खाक ड्यूटी यहाँ करने के लिए है ही क्या? क्राइम रेट जीरो है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, मुझे अभी कोई टास्क चाहिए। जहाँ क्राइम रेट ज्यादा है मुझे वहाँ भेज दीजिए, नहीं तो बॉर्डर पर भेज दीजिए। पर वहाँ मिलिट्री है कृष्णा। तो मैं वापस ट्रेनिंग के लिए आ जाऊंगा सर। ये रूल्स के खिलाफ है। ये मेरे भी खिलाफ है। मुझे सोचने का वक्त दो। बेचारे हंसते खेलते इंसान को लाकर रेगिस्तान में पटक दिया। कहाँ से आया होगा ये, क्या होगा इसका? चलो बेटा। प्रभु, मेरा क्या सपना था और आपने क्या कर दिया? मैंने क्या मांगा था? मैंने कहा था कि मैं काम करूंगा प्रभु, लेकिन आपने बेकार के गांव में लाकर फेंक दिया। आपका क्या? आप तो मजे में हैं, गोपियां हैं, रोमांस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा क्या होगा? बताइए क्या होगा? अरे प्रभु रुको, प्रभु सर, सर, अरे रुको सर, 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 अरे रुको सर। इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए हो। आप जो भी करते हो उसमें कारण होता है प्रभु। आई नो। अगर काम नहीं है तो दुखी मत होइए सर, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए ना। किसने कहा काम नहीं है? रैबिट बहुत सुंदर है ना। कौन सा, छोटा या बड़ा? मैं अपनी सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन करने वाला हूँ, लेकिन राधा ही नहीं है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? अरे 25वां साल आ गया, शादी करनी होगी ना। ओहो, तो अब से आप ये काम करने वाले हैं? एग्जैक्टली। रैबिट, नाम क्या है? क्यों बताऊं तुम्हें? गांव के लोगों के बारे में जानना ऐसा है के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए। राधा। राधा, तुम मुझ में आधी हो। आपके घर में कितने लोग हैं? मैं, माँ, पापा और कजिन। सेफ हो? तुम करती क्या हो? इन सब से आपको क्या? वही, अगर आपको कोई मुसीबत से बचाना पड़े तो आपके डिटेल्स जानने पड़ेंगे ना। अच्छा कवर कर रहे हो सर।
शहर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही हूँ। कौन सा कोर्स? बीटेक। अब ओहो, टक्कर की है वो लड़की। आ गए सर, किसी से नहीं पटती। मतलब अभी तक किसी से पटी नहीं, और भी सेफ है। ठीक है पिताजी। अर्जुन सर, यू टर्न ले लो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? पेट्रोलिंग। बस कीजिए सर, इस गांव में क्या पेट्रोलिंग, पेट्रोल बर्बाद होगा। अर्जुन सर, हम नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा इस गांव को? शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए सर। पेट्रोलिंग का मतलब है सारी गलियों में घूमना। सारी गलियों को मेंटेन करना मुश्किल होगा। हमारे लिए ये एक गली काफी है। सर राधा चली गई, अब रथ पे सवार हो जाइए। हमें पुलिस के गेटअप में देखकर शायद राधा भयभीत हो गई। कोई योजना बनानी पड़ेगी। योजना? यस, गली में स्वच्छ भारत। सर लेकिन यहाँ कैसे स्वच्छ भारत, सारा गांव साफ है। धनुर्विद्या प्रारंगदा सर, कार्य प्रारंभ करो सर। इस नगर को हो क्या गया? आपके आने के बाद बंटाधार हो गया। एक तरफ मिट्टी, दूसरी तरफ धूप। राधा जी की गली कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? हाय राधा जी, आप भी आ गई। आइए इस योजना को हम दोनों मिलकर सफल बनाते हैं। क्या कहती हो? मुझे धूल से एलर्जी है। इनमें बहुत एनर्जी है। देख लीजिए खुद, इस गांव की मिट्टी भी इतनी साफ है, और क्या जरूरत है? अर्जुन मिट्टी का मतलब पता है तुम्हें? क्या है? अनाज की तरह रहने वाले एल्यूमिनेट, सिलिकेट जैसे अजीब छोटे पदार्थ के बीच जीव पदार्थ सारे मिलकर उनके साथ सूक्ष्म जीव, बहुवन जीव इस मिट्टी के भाग होते हैं। तुम्हारे हाथ में जो थोड़ी मिट्टी है ना, इसमें इस दुनिया की जनता से भी ज्यादा बैक्टीरिया है। पार्क, आपका ये मिट्टी प्रण बहुत ही अच्छा था। अगर दोबारा आपसे मिट्टी की बात की तो आप मुझे लट से मारिएगा। हंसी यार, फनी है ना? हाँ बहुत। गिर गई जी, देखा मैंने। जाकर दे दूं क्या? नहीं, तू जाकर ले आ। ओहो, मतलब आप ही देंगे? आ, आ। इसे बेच दूं तो कई महीनों की तनख्वाह मिल जाएगी। सर बेचारी राधा ने गिरा दिया सर। जाइए ना, जाकर दे दीजिए, दे दीजिए। सर ये तो अन्याय है सर, एक पुलिस ऑफिसर के चोरी करते हैं। जब कृष्ण भगवान भी चोरी कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं यार। समझ गया सर, इस गांव में कोई चोर नहीं है इसलिए आप ही चोर बन गए हैं। लोक कल्याण के लिए ये सब करना पड़ता है। लोक कल्याण या खुद के कल्याण के लिए? सब जानकर भी पूछता है। तू वहाँ देख, कहाँ गिरा दी तूने? यही पर तो आई थी माँ, ध्यान से रखना। दीदी कैसा है? ढूंढ रही हूँ। हाँ चली गई। 2 तोला सोना है, सोने का दाम पता है तुम्हें? घर पर रखना चाहिए ना। दे दीजिए ना, कब से ढूंढ रहे हैं। एक तो चैन चुरा ली, ऊपर से शर्मा रहे हैं आप, दे दीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब। हाँ मामा जी। मैं कौन सा मामा हूँ, मेरी बेटी ने चैन गिरा दी, आपने कहीं देखी क्या? नहीं नहीं। ए, तूने देखी क्या? नहीं 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 देखी। नहीं देखी, देख क्या रही हो, ढूंढो। तू वहाँ देख। देखती हूँ। चाहो तो कंप्लेंट भी दे सकते हो, FIR बुक्स भी खरीदी हैं। कहा था ना कि ये लड़की आग है, कितना भी बुला लो ये सुनेगी नहीं। ए, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, सुनकर भी अनसुना करना, देखकर भी अनदेखा करना उनकी आदत होती है, वो उनका ब्रह्मास्त्र है। तभी तो ना हम जैसे लड़के उन पर मरते हैं। लगता है आपने लड़कियों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। मैंने वही सब्जेक्ट तो पढ़ा है। कोई काम नहीं बोल के हमसे ये काम करवा रहे हो सर? ये काम हमें क्यों दिया है सर? बेकार ही खाली बैठने से अच्छा कोई काम ढूंढना चाहिए। है ना? ये शाम क्या कर रहा है? क्यों रोका? चैन देने के लिए। वो तो उसी दिन गुम हो गई थी ना? मुझे तो तभी मिल गई थी, लेकिन गिरवी रख दी थी। गिरवी रख दी? हमारे अर्जुन के फिल्म की मुश्किलों की वजह से। कैसी मुश्किल? उसकी माँ अस्पताल में है, इसकी बहन घर में है, इसकी बीवी खुद के घर में है, इसलिए ये चेन गिरवी रखनी पड़ी। इस चेन को गिरवी रखकर आपने इनकी हेल्प की? हेल्प करने में बुराई नहीं है ना जी। चीनी, तुम्हारी चेन बहुत सुंदर है,
ध्यान रखना। हाँ, मेरी चेन मुझे नहीं गिरवी रखवानी। चलो दीदी। छी छी छी, नॉटी गर्ल। सर, इस कहानी में अब ये कौन सा नया ट्विस्ट दिया है? सब कुछ जानते हुए भी सवाल करते हो, नॉटी पार्थ। दीदी, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। छोड़ ना, चेन तो लौटा दी ना, तो टेंशन मत ले। शायद वो नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। चल चलिए। वो देखो आ गया। हेलो, तुझे पता है वो? हाँ? क्या हुआ? मुझे ढूंढ रही थी। ऐसे ही जा रही हो? आपकी चैन नहीं चाहिए? उस दिन लौटाई थी ना तुमने? वो तो आर्टिफिशियल थी। अगर वो चैन दे देती तो। चीनी, तुम्हारे गली की चेन कहाँ है? तुम्हारे डर से मैंने घर पर ही चेन छुपाई। ओह, स्मार्ट गर्ल। चल। सुनिए, वापस चेन मत गिरा दीजिएगा। ये बताने के लिए शुक्रिया। चल दीदी, आज तो पापा को बता ही देंगे। तो छोड़ ना, चेन तो मिल गई ना। अरे वाह, बुढ़िया भी कमाल की, किसी को कोई चांस नहीं देने वाली। ये जगह बहुत ही सुंदर है ना दीदी? कॉलेज जाने के बाद ये सब बहुत मिस करूंगी। लेकिन आपकी चैन को नहीं मिस करेंगी। हाँ? हाय चिनी, ये इस तरह भाग क्यों गई? एक ही चेन को आप कितनी बार देंगे मुझे? आखिर बात क्या है महापुरुष? एक्चुअली पहली वाली ओरिजिनल ही थी, लेकिन हमारे अर्जुन को पैसों की जरूरत थी तो आर्टिफिशियल देकर ये ओरिजिनल चेन ले ली। हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे हेल्प कहते हैं आप? मतलब आपका मुझसे इस तरह से बात करना मेरी हेल्प ही हुई ना जी। आपसे बात करने के लिए मैंने ऐसा किया, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत मत समझना। ठीक है। चैन देने के बाद बात करना बंद तो नहीं करेंगी ना? नहीं करूंगी, तुम मुझे पसंद आ गए हो। ओह। आचार्य देव। हाँ, तुम्हारे हिसाब से हाईएस्ट क्राइम रेट के स्टेशन में तुम्हारा ट्रांसफर करवाया है। सच में गुरुजी? थैंक यू सो मच गुरुजी। तो इसी वक्त निकल लो वहाँ से, मैं ही तुम्हें ट्रांसफर लेटर दिलवाऊंगा। लव यू गुरुजी, थैंक यू। तो आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी ही जीतेगी, ऐसा सर्वे कह रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी की तरफ से सीएम के उम्मीदवार के तौर पर मैं सुजाता का नाम प्रपोज कर रहा हूं। जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे हैं और इनकी एक क्लीन इमेज है। इनके अलावा दूसरे उम्मीदवार के तौर पर मैंने सूरी रेड्डी का नाम प्रपोज किया है। वाओ, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वाओ, क्या बात है। इतने दिनों से सिर्फ मैं सीएम कैंडिडेट था, अब सुजाता का नाम उस लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पर है। फर्स्ट प्लेस? क्यों रे, तू मुझसे कंपटीशन करेगा? भैया, मैं आपसे कंपटीशन कैसे कर सकता हूँ? मैं भी देखता हूँ तू सीएम कैसे बनता है, देख लूंगा मैं। और कितने दिन घुमाएगी तू अपने पीछे? रामचंद्र सर, जीप थोड़ा साइड से लेके आओ। ओके सर। क्यों बे, तेरे हाथ पैर काबू में नहीं है क्या? हाथ पकड़कर खींच रहा है, तेरा नाम बोल बे।
भागते भागते कैसे इंट्रोडक्शन दो सर? बता बे। कटाल सिंह सर। पिताजी का नाम? कटाल सूरी बाबू सर। मुझे अंदर मत कीजिए सर, प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर। जिंदगी में पहला FIR लिख रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। आचार्य देव। कब आया आचार्य देव? मिस यू डैडी, मिस यू। मसाज हो गया, अभी बस करो ना। इसे इसे कहते हैं पुलिस स्टेशन। लॉकअप में कैदी, उनके लिए हथकड़ियां, लॉयर, पूरा स्टैंड गन के साथ चमक रहा है। यही यही सारे मटेरियल मुझे चाहिए थे डैडी। खुश हो ना? अब सब लोग खुशी से रिलैक्स हो जाओ। हो जाओ हो जाओ हो जाओ। ये धूल पूरी एरिया है, थोड़ा ध्यान से रहना। अरे फिक्र की जरूरत नहीं है, जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर आया है अपना कृष्णा। इस क्राइम सिटी को क्लीन सिटी में बदल देगा। हाँ। चलो आ जाओ, तुम अपना काम करो। तो मैं ये कह रहा था, हम चलकर प्रजा की रक्षा करते हैं। अर्जुन, इस नाम से यहाँ पर कोई नहीं है। मेरे बिना अर्जुन कितना तड़प रहा होगा। सर आपके जाने का बहुत दुख हो रहा है सर। सामान बांध कर आ जा। कहाँ पर सर? अरे मेरे बेवकूफ बाबू, तुझे हैदराबाद में ट्रांसफर करवाया है। सर ये तो अन्याय है। मुझे पता है यार, मेरे बिना तेरे साथ अन्याय ही होता होगा। हवा बदलने पर दिमाग बदलता है। चल अब जल्दी आ जा। ओरिजिनल कृष्ण ने भी अर्जुन का इतना फायदा नहीं उठाया होगा सर। जय श्री कृष्ण। उठा ले। रैबिट, अरे सुनो ना, अर्जेंटली ट्रांसफर ऑर्डर आ गया तो मुझे जाना पड़ा। नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम्स है, मुझे पढ़ना है। बाय। इतना कोई पढ़ता है क्या? गांव में घंसता खेलता इंसान था, उसे लाकर यहाँ डाल दिया। ना कोई नाच ना कोई गाना। सलाम वालेकुम। नमस्ते। नमस्कार। सलाम वालेकुम। इतना क्रोध उचित नहीं अर्जुन। क्या है ये? FIR सर। क्या कहा, इतने सारे FIR? गोडाउन में और भी पड़े हैं सर। गोडाउन में? तुझे श्लोक चाहिए या सारांश चाहिए? अर्थात? श्लोक का मतलब सड़क पर मारना, सारांश का मतलब लॉकअप में मारना। तो सारांश ही बेटर है सर। वेरी गुड, लेकर चलो पार्थ। रुको रुको। नो मिल्क नो पेपर। शायद लोग गांव गए हैं। हेलो, मदद चाहिए? कोई रास्ता नहीं बचा, चलो आ जाओ। क्या कर रहे थे? सामान पैक करके भागने वाले थे सर। वो भी ओनर की परमिशन के बिना? ओनर बाहर गए इसलिए उनको तकलीफ नहीं देना चाहता था। ओह, ओनर को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता इसलिए अपनी तशरीफ रख ली। अच्छा है, अरे इनको पैक करके क्लीन कर दो जल्दी। अरे तुम्हें नहीं मारूंगा यार। सर मारने में विश्वास नहीं करते? तुम्हारे लिए श्लोक और सारांश नहीं, संदेश ही सही है। एक बढ़िया कटिंग चाय दे दो। ठीक है, दर्द से सर फटा जा रहा है। अरे पेपर मेरे क्या जगह खाली कर। ओए चाय नहीं देता क्या तुझे? ये मेरी जगह है, उठ जा। तमीज से बात कर, पता है ना किससे बात कर रहा है तू? इज्जत चाहिए तुझे? तो जैसे पुलिस वाले का म्यूट बटन यही है, ले रख ले। क्यों बे, पुलिस वाले पर तू हाथ उठाएगा? रहीम भाई मारो। सर ये होम मिनिस्टर सूर्यदेव का आदमी है सर। तो फिर और जोर से मारो रहीम भाई।
चुप। रेस्पेक्ट डिपार्टमेंट की रेस्पेक्ट। उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, फिर तू चाहे किसी का भी आदमी हो। बीच सड़क पर तूने मुझे मारा। अरे बाप रे, इसको तो गुस्सा आ रहा है। सड़क पर मारा ना इसलिए। सेल में डाल कर मार इसको। चल, तू बहुत पछताएगा। लेके जाओ। बजने दो। तुम लोग भी बजाते रहो। सुंदर लग रहा है सर। पुलिस स्टेशन में कैसे जन्माष्टमी सर? कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, यहाँ नहीं तो और कहाँ मनाएंगे? सर मेरी बेटी। ए गुड़िया, कैसी है? नहीं कोई मंदिर लग रहा भाई। सही बात है, इससे नहीं होगा, लेकिन आपके छोटे पैरों से निशान बनाते हैं, चलो। लेकिन सर ये लड़की। हर मंदिर में भगवान और हर घर में माँ एक ही होती है ना? सकते थे। क्यों? खाना बहुत ही अच्छा है सर। शुक्रिया। आप भी खाइए सर। सर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? राधा गांव से आई है सरप्राइज देने के लिए। सर, ड्यूटी आवर्स में ऐसे काम करना गलत बात है ना? मैं समझ गया सर, आप ड्यूटी के साथ प्यार भी तो करते हैं ना? यस yes. कॉलेज में जाना है, राधा को मिलना है, चले, चलो, चलो चलो मजे भी करना चलो, है चले चलो, चलो। चलो देखो। क्यों हंसी मुझ पे? सर ऐसा लग रहा है कि आप किसी लवर से मिलने नहीं बल्कि किसी छोटे बच्चे के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। मेरी राधा भी छोटी बच्ची ही है, गांव में हिरन की तरह पिताजी पिताजी की ओवर एक्टिंग और यहाँ पर लेडी गागा की तरह डांस। सच में तू तो किसी से कम नहीं है। वो मेरे पिताजी बहुत संस्कारी है ना। फिर से पिताजी? गाँव में सभी रहना चाहिए इसीलिए वैसे रहते हैं। ओ नहीं तो नहीं रहेंगे। स्टेप तो सुपर था रैबिट। वैसे तुमसे बात क्यों करूं? तुम बिना बताया है ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहां से। अब रैबिट रैबिट साहब पीयूसी पेपर घर पे भूल गया। सर रॉन्ग रूट वालों के पास भी पोल्यूशन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सर। हां सर, पोल्यूशन सर्टिफिकेट कभी भी पर्यावरण के मोह से नहीं लेते, हम पकड़ ना ले इस डर से लेते हैं। राइट रूट में भी रॉन्ग पर्सन मिलेगा, जाकर ट्राई करो। छोड़ेंगे नहीं सर। यस। अरे पहले मुझे तो छोड़ दो। सर अभी वहां जाकर काम कर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, यूसी का है। रुकिए रुकिए, किनारे किनारे गाड़ी किनारे। अरे सुनिए, रुको रुको। उसने रुकने के लिए कहा ना, पेपर्स दिखाओ। मेरे पास तो सिर्फ ये पेपर है सर। कल का नहीं है? हाँ? ए, मजाक चल रहा है यहाँ, गाड़ी के पेपर दिखाओ। मैं एसआई को जानती हूँ। सर आप इस लड़की को जानते हो? हेलो चलो गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। आरसी ड्राइविंग लाइसेंस पीयूसी सारे पेपर दिखाओ जल्दी। सब कुछ लेकर आया सर, जल्दी करो। अरे तो देखो पेपर नहीं होगा तो गाड़ी जमा होगी। सुनिए चलो। सुनिए प्लीज। अरे इसको क्यों पकड़ लिया? सर सर वो लड़की सर 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 जरा पीछे तो देखिए सर, आपका घर बर्बाद हो रहा है, पीछे तो देख लीजिए। गाड़ी खरीद के लाई हो या उठा के लाई हो बताओ प्लीज। रहीम भाई उस लड़की को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा सर। तेरी तो इस एक गाड़ी को छोड़ दो रहीम भाई। कैसे छोड़ दो सर, पेपर्स मांगने पर न्यूज़पेपर दिखाती है। क्रिमिनल्स को पकड़ो, लवर्स को छोड़ दो रहीम भाई। रहीम भाई गया। रैबिट अरे सुनो तो सर, मैं मैडम से बात करूं क्या? बस बहुत बात कर लिया, अपनी सिंसियरिटी से प्यार की वाट लगा दी, बट आई लाइक योर सिंसियरिटी, इसी तरह बरकरार रखो। ओके सर। तुमने गलत किया है रहीम, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
इस प्रॉब्लम को आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा सर। ठीक है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बस कीजिए सबको नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। पिछले 10 सालों से हर रविवार को मैं सारे कार्यकर्ताओं से मिलता आ रहा हूं, लेकिन आज इतने सारे लोग यहां आए हैं, क्या चाहिए? आपको सीएम बनना होगा। मैंने कभी सीएम के पद की आशा नहीं की, मैंने कभी किसी से मुकाबला भी नहीं किया। मैंने अपना राजनीतिक जीवन आपके साथ खड़े रहकर शुरू किया और आज आपके सामने खड़ा हूँ, फिर भी मैं रोज प्रजा की सेवा ही करता आ रहा हूँ। आज मुझे पार्टी जनता मुख्यमंत्री बनने को कह रही है, आपकी और सेवा करने का अवसर मिल रहा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? रुकिए, सब अक्सर मुझसे पूछते थे, मर्द होकर भी तुम्हारा नाम सुजाता कैसे पड़ गया? ये मेरी पत्नी का नाम है, मैं सपने में भी कोई गलती ना करूं इसलिए ये नाम रखा है, क्योंकि अगर मैंने कोई गलती की तो फिर उसका नाम खराब होगा। तो ये है महिलाओं के प्रति मेरी श्रद्धा। मुझे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, गुस्सा नहीं आता। सर, जिंदगी में रिश्तेदार दोस्त आते जाते रहते हैं, लेकिन भाई जैसा नहीं, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं सर। ए! अरे उठना पार्थ, उठना यार। ए! सर, सर, सर। ए, रहीम, रहीम, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है सर, आज उसका ऑपरेशन है, ड्यूटी के लिए आया था सर। तुम्हें कुछ नहीं होगा रहीम। अगर मैं मर गया और मेरी पत्नी का कुछ हो गया तो मेरी बेटी को देखने नहीं। वाला कोई नहीं है सर। तुम्हें कुछ नहीं होगा रहीम भाई, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। सर, मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी सर। ए, जल्दी लेकर आओ। वो अनाथ हो जाएगी सर। नहीं, कुछ नहीं होगा। ए, जल्दी लाओ। बेटी। मिनिस्टर सुजाता पे जानलेवा हमला हुआ, कुछ अनजान लोगों ने ये अपराध किया है। इस हमले के पीछे मुख्य रूप से पुलिस की असफलता है। पुलिस कर्मी ड्यूटी के टाइम पर इररिस्पॉन्सिबिलिटी से शराब पीकर अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। सीएम पद के लिए सुजाता जी का उम्मीदवार होना इस बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य कारण हो सकता है, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। सर, सुनने में आ रहा है इस ब्लास्ट के पीछे आपका हाथ है। सही जानकारी के बिना ऐसे आरोप मत लगाइए।
सीएम की उम्मीदवारी से उन्हें बाहर निकालने के लिए आप ही ने ये प्लान बनाया, ऐसा लोग कह रहे हैं। इंक्वायरी कमीशन बिठा दी है, जब तक सच बाहर नहीं आता मैं अपने होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिल्कुल नहीं बैठूंगा। सुना आपने? सुना आपने? मेरा बेटा तो शराब पीता ही नहीं है साहब, ड्यूटी पर मरने पर भी एक बार पीकर मरने का कलंक लगा है भैया। सीएम सुजाता जिंदाबाद। सीएम सुजाता, सीएम सुजाता। जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं प्राण, और अपने उसी प्राण से मैंने ये खेल खेला। सुजाता पर बॉम्ब अटैक, ब्रेकिंग न्यूज, बूम बूम। सारा का सारा देश देखता रह गया। सारी प्लानिंग जब मैंने ही की थी तो मुझे क्या होता भला। भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ। पुलिस को वहां लेट से पहुंचने दिया। पी तो रहे थे वो कोल्ड ड्रिंक, पर ऐसा लगा कि वो दारू पी रहे हैं। मेरी हत्या करने के लिए ये सब कुछ होम मिनिस्टर ने किया था। पब्लिक में चिंगारी सुलगा दी। इस्तीफा देकर होम मिनिस्टर नीचे उतर गया और सीएम पद के लिए मैं ऊपर चढ़ गया। ये प्लान कमाल का रहा भाई। वो ब्लास्ट करने वाला सेफ है ना? चारों अंडरग्राउंड है और सेफ है भाई, यू डोंट वरी। ये कौन है वहां? एक्चुअली उसका और मेरा थोड़ा पर्सनल मामला है भाई। इसने मेरी पूरी बात सुन ली होगी। मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो इसे। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारना। आप क्या कह रहे हैं सर? मतलब मैंने जो कहा तुमने कुछ भी नहीं सुना? सर यहां रहना सेफ नहीं है सर, आप चले जाइए, मैं यहां पे सब देख लूंगा। रिपोर्टिंग सर। बेटी, सिचुएशन क्रिटिकल है सर, जब तक होश में ना आ जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते। उसने सुन लिया या नहीं सुना, उसने सुन लिया या नहीं सुना, क्यों रे? कुछ पता चला वो इस वक्त कहाँ है? नहीं पता चला। मेरे आदमियों को मार दिया और सिंपली कह दिया सुनाई नहीं दिया। पता नहीं सर, ये तो कोई नई कॉन्सेप्ट लग रही है।
सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। मिनिस्टर के आदमी आपके लिए आए हैं सर। कहाँ है वो? तुमने उन्हें ऐसे शूट क्यों कर दिया? वो बंटी होम मिनिस्टर का आदमी था और वो आपको भी मार देता सर। वैसे मुझे बचाने के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया सर? वो ठीक है, कल वो कैप्स कुछ सुनाई तो नहीं दिया। ओ, वो सरदर्द हो तो मैं कैप्स लगाता हूँ, उन्हें लगाने के बाद मैं कुछ नहीं सुनता। क्या करूँ, आदत हो गई है। अभी है क्या हो? क्यों सर? कुछ सुनाई नहीं दिया सर। ए, कॉफी दो इसे यार। ओके सर। वहां वेट करो, रिलैक्स हो जाओ, मैं आता हूँ। यस सर। क्या करें नेताजी, इसका क्लोज कर दूं क्या? जैसा उसने कहा कि कुछ भी नहीं सुना है तो ठीक है, और अगर सुना हो और इस बीच में उसने किसी को मेरी बातें बताई हो तो जो इतनी मुश्किलों से मैंने अपना ये साम्राज्य बनाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। पर मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बारे में पूरी छानबीन करो, उसकी हर एक मूव को वॉच करो। वो कौन है और यहाँ कहाँ से आया है, उसके फ्रेंड्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो। अगर उसे मैटर पता है तो उसे मार देंगे, और नहीं पता है तो भी मार देंगे। सर रिलैक्स। तुम्हारी स्टोरी मुझे पसंद आई, मतलब तुम्हारा डेडिकेशन मुझे पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें अपना पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज अपॉइंट करता हूँ। सर आपको मैंने प्रोटेक्ट किया इसलिए प्रमोशन दे रहे हैं सर। यू आर ग्रेट सर। वैसे पुलिस स्टेशन में तो FIR केसेस होते हैं, यहाँ मुझे क्या काम करना होगा? बहुत काम है, तुम्हें यहीं रहना होगा मेरी आंखों के सामने, तभी तो मैं सेफ रह पाऊंगा। ओके सर, आप बिल्कुल मत डरिए, अब आप कंप्लीटली मेरे कंट्रोल में हैं। सिक्योरिटी को मैं टाइट कर देता हूँ, हो सके तो उन्हें ट्रेनिंग भी दे दूंगा। ऑन ड्यूटी सर। सल्यूट मत करो, मुझे डर लगता है। सर स्मॉल रिक्वेस्ट है, सिरदर्द कर रहा है, कम होने के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा सर। कैप्स लगा लो। हाँ लगा लो। ओके सर, थैंक यू सर। तेरी कहानियों पर यकीन कर लूं ऐसा बेवकूफ दिखता हूं मैं तुम्हें, तू तो गया। सर इसे तो बुलेट की आवाज भी सुनाई नहीं देती। सर वो एंट्री ले रहा है। नमस्ते सर। कौन हो तुम? सर मैं आपका वॉचमैन हूँ, मिनिस्टर सुजाता नहीं भेजा है। मिनिस्टर जी मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? मुझे बचाया, प्रमोशन दिया, द्वारपाल भी दिया है। द्वारपाल? तुम्हारा ये प्यार देखकर मुझे तनख्वाह लेने का भी मन नहीं कर रहा। थैंक्स। अरे पेपरमिंट की गोलियां। पेपरमिंट की गोली? वही सर, बच्चे मुंह में डाल के चूसते हैं वही। बचपन में पापा दिलाते थे, दो डिब्बे मेरे घर पे भेज दो, दो नहीं पूरे चार भेज दो, मंत्री जी को भी दूंगा। तो कल हम भी खा सकते हैं सर। सर वो किसी को कॉल कर रहा है। आवाज बढ़ाओ। रैबिट, कोई कोड वर्ड है, नोट करो, नोट करो। बोलो। गर्लफ्रेंड है, प्यार से बुलाता होगा। तुमसे जरूरी बात करनी है। साथ में कोई है क्या? साइड में आ गई हूँ, बोलो। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, वो मेरे बारे में ही बताएगा, देखना। आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। एक अच्छी सी किस दे दो ना। किस दे दो?
इस वक्त मैं कॉलेज में हूँ। मुझे पता है। तो पूछा क्यों? ऐसे ही तीर मारा था। फोन काट रही हूँ मैं। ए, रुको, 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 रुको। तुमसे कुछ कहना है। मुझे प्रमोशन मिला है और पता है कहाँ? मिनिस्टर सुजाता के पास। उसके पास तुम क्यों ज्वाइन हो रहे हो? क्यों? उसे देखकर ही लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है। एकदम सही पकड़ा है सर। ए, साउंड कम करो। रोक दो। जस्ट स्टॉप इट यार। ठीक है, लेकिन हम आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिल सकते। क्यों? मैं बिजी हूँ। किस काम में बिजी हो? मुझे घर जाना है, लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने। लड़के वाले? यस। ऐसे कैसे हो सकता है? देखना ही है तो हमें देखिए ना। शट अप, बाय। ये राधा नहीं, सत्यभामा है। इसका पागलपन जिंदगी भर कैसे सहूंगा। ए, यहां क्या कर रहे हो? चलो यहां से। दोबारा मत आना। रुको, कहां जा रहे हो? अंदर मेरी दोस्त है, प्लीज भेज दीजिए। यहाँ जो लोग खड़े हैं सबके दोस्त अंदर हैं, सबको भेज दूं क्या? सच में? इन लोगों से मेरी तुलना? धत तेरी की। वो रही मेरी रैबिट राधा। मैडम, आप इन्हें जानती हैं क्या? अच्छी तरह जानती है। हाय। रिवेंज अच्छी तरह से ले रही है। चलिए 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 बाहर निकलिए। चलिए भाई, लेकिन बस हो गया नाटक। जा जाकर उसे बात करके आ। ओके। हे भगवान, अब तो गुस्सा कम हो गया। तीन बार मेरी खोई हुई चेन देने पर मैं खुश हो गई। इसलिए तुमने मुझे लाइटली ले लिया। वो देखो, उसे देख रहे हो? तीन साल से मेरे पीछे घूम रहा है। ऐसे तुम्हें घुमाया होता तब मेरी वैल्यू पता चलती तुम्हें। अब से तुम भी ऐसे ही वेट करो। ओके, गुड बाय। ए रैबिट, क्या प्रॉब्लम है तुम सबकी? प्रॉब्लम ये है कि भाई, वो हमें पागल लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? आप उसके साथ रहने को कह रहे हो और वो हमसे टास्क मांग रहा है। टास्क? उसे कोई काम चाहिए भाई। अभी तक बच्चे के साथ खेल रहा था, उसके स्कूल जाने के बाद वो हमारे साथ खेल रहा है भाई। गेम स्टार्ट। हंस। गेम्स और एक्सरसाइज तक तो ठीक है भाई, वो तो भगवत गीता पढ़ने को भी कह रहा है हमें। गीता पढ़ने को कह रहा है? जब उसे बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो मारते हुए कहता है कि इसका सारांश भी पढ़ो। तुम्हारे प्रॉब्लम्स का कुछ नहीं कर सकता। हाँ? बस उसे किसी तरह संभाले रखो। ठीक है सर। सर ऑन ड्यूटी। सर क्या करना है बताइए। कहीं मेरे साथ ना खेलना शुरू कर दे। फिलहाल तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इनके साथ ही खेलते रहो। हाँ ओके सर, अच्छी तरह से खेल लूंगा। आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक बलदेवानंद सागर। जिस किसी ने मेरे बारे में कंप्लेंट दी है वो जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए, वरना मैं तुम सबको ट्रेनिंग दे दूंगा। अरे तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा भाई, मैंने तो आपके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा कहा। मेरी तारीफ की तूने? चल बैठ। बैठना। बैठ। बैठू क्या? हाँ लेकिन बहुत दर्द हो रहा है भाई। दर्द होने के लिए ऐसा किया है? ऐसा क्यों? एक घंटा ऐसे ही बैठा रहे। एक घंटा? नेताजी, उसकी ट्रेनिंग प्लेस पर आया हूँ। क्या पता चला वहाँ? अच्छा, तो आपको मिल गया क्या? टास्क मांगा कि नहीं? अगर आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से ले ही लेगा। अब तो आपके हर दिन दिवाली है। उसके बारे में सब लोग कुछ और ही बता रहे हैं। वेंकट, तुम जाकर अपने वो। रुकिए भाई, हमारा एग्जाम है ना। एग्जाम? पेपर नंबर 1 भगवत गीता, पेपर नंबर 2 भागवत, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर विष्णु सहस्त्रनाम। वो हम सबके साथ आध्यात्मिक रूप से खेल रहा है भाई। हां सच कह रहे हैं। हे बलराम, रुको। अरे रुको। अरे अरे बलराम को पकड़ लो। अरे ओए, ये चीटिंग है बलराम। सॉरी सर। ए बलराम, चल अब मुझे पकड़ जल्दी। हाँ, रुको, आ रहा हूँ। कितना खुश है मेरा बेटा आज। हाँ जी, इस कृष्णा को एक और प्रमोशन देकर यही रख लीजिए। सर सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी सर। क्या हुआ? इनकम टैक्स वालों ने आपका जितना भी ब्लैक मनी था उस पर रेट डाल दी सर। क्या? मेरे इतने सालों की कमाई पर पानी फिर गया? सीएम बनने के लिए, एमएलए को खरीदने के लिए वो पैसे छुपाए थे, क्लीन इमेज बनाने के लिए अपने नाम पर मैंने कुछ नहीं रखा। सब कुछ गया सर।
सर रेड आईटी वालों ने नहीं की सर, किसी ने प्लान करके सारा पैसा चुरा लिया। क्या बोल रहा है तू? हेलो मामा, कैसे हो? पैसे चले गए इसलिए चिंता में हो? कौन है रे तू? मामा कहा ना, मैं भतीजा हूँ और वैसे भी तुम्हारे पैसे मैंने ही चुराए हैं। ए, यू बास्ट। क्या 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 क्या, अब बेनामी नामों से पैसा छुपाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं सब जगह नजर रखता हूँ मामा। तो नहीं छोड़ूंगा। मामा हम दोनों के बीच मस्त खेल शुरू हो गया है, सिर्फ एक ही गुंजाइश है, तू हारेगा और मैं जीतूंगा। मेरे मामा सुजाता, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ए, पता करो ये फोन कहां से आया, प्रेस करो, वो कौन है मुझे जानना है। खेलना हो गया सर, कल सुबह फर्स्ट आवर में आ जाऊंगा सर। जरूरत नहीं, जब तुम चाहो तब आ जाना, न हो तो पुलिस स्टेशन में ही बैठे रहो। सर अगर कोई टेंशन है तो बताइए, मैं हूं ना, सॉल्व कर दूंगा। जाओ। ओके सर। कौन है रे वो? क्या है ये सब? मुझे मारने के लिए मेरे लेवल का होना जरूरी है। मैंने तेरी पोस्ट छीन ली इसलिए गेम रिवर्स कर दिया तूने। पर कौन सा गेम? कौन सा गेम? सीएम बनने का वक्त है तो मैं मर्डर क्यों करूं? ये सोचकर अब तक रुका रहा, लेकिन अगर ये कंफर्म हो गया कि तू है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर आपको लगता है इसने किया होगा? इसने नहीं किया, इसकी आंखों में मुझे डर दिखा, लेकिन इसके अलावा और किसके पास होगा इतना बड़ा नेटवर्क? किसमें हो सकता है इतना दम? सर आपने जो कुछ भी चाहा था वो मिल गया। खुद के स्वार्थ के लिए 12 पुलिस वालों को मार दिया और उन पर इल्जाम लगाया कि वो दारू पीकर ड्यूटी कर रहे थे। जिस सड़क पर अपने आदमियों को मारा है उसी सड़क पर उसे लाना होगा, उससे सच उगलवा कर अपने डिपार्टमेंट की इज्जत लौटानी होगी। यही हमारा टारगेट है। वो हमारा होने वाला सीएम है सर, उसकी शपथ लेने से पहले हम उसे मार डालेंगे सर। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अधर्म की तरफ रहने वाले कौरवों को मारना कृष्ण के लिए एक मिनट का काम था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्रिया विधि के साथ मारा और धर्म को जिताया। ऐसा हाल करेंगे कि आगे से कोई किसी पुलिस वाले को टच करने की सोचेगा भी तो उसकी पहन गिली हो जानी चाहिए। जो मर गए उन्हें वापस तो नहीं ला सकते। ये पैसे सुजाता की वजह से बर्बाद होने वाले परिवारों में बांट दो। ये पैसा जिस किसी ने भी दिया है वो हमारे लिए भगवान के समान है। फिंगरप्रिंट्स ले लो। नमस्ते सर। इसने फिर क्या किया है? वही जो हमेशा करता है, चोरियां की हैं इसने। क्यों रे, तू बदलेगा नहीं? सर
बैग उठाने में तकलीफ हो रही थी तो तरस खा के हेल्प की थी सर। ओए नौटंकी, झूठ मत बोल। सर अगर आप मुझे एक चांस दें तो इसके साथ इंडोर गेम खेलूंगा। जाओ खेल लो। सर 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 सर, आपके हाथ जोड़ता हूँ, सुधरने के लिए एक चांस दीजिए सर। तू कोई शिशुपाल है क्या जो तुझे बार बार चांस देते रहे? सर सर, तुझे खाना बनाना आता है? सर उसमें तो मैं एक नंबर का माहिर हूँ सर। चल ठीक है, मान लिया खाना बना लेता है, लेकिन तुझे डोसा बनाने आता है? आग लगा दूंगा सर। इस पर के सारे केस रद्द करके इसके लिए अपने स्टेशन के बाहर एक होटल खोल लो, खुशी से अपने परिवार के साथ यहीं पर रह लेगा। लेकिन ये तो अपने रूल के खिलाफ है सर। भैया कुएं में भी पानी होता है, नागार्जुन सागर में भी पानी होता है, फिल्टर करके हम पी रहे हैं ना, ये भी वैसा ही है, इसके बुरे गुणों को हम फिल्टर कर देंगे। रिबन कट करिए सर। बचपन से रिबन कट करने का सपना था, इतने दिनों बाद साकार हुआ। गॉड इज ग्रेट। ताली ताली, ताली। एक डोसा दो चाचा। अभी देता हूँ सर। बना बना जल्दी बना। सर आप हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते हैं, कैसे सर? हाथी के पैरों के निशान में सारे जीवों के पैरों के निशान आ सकते हैं भैया। हाँ? मैं भी ऐसा ही हूँ, वो आदेश देते हैं मैं पूरा करता जाता हूँ। अच्छा सर, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया। हेलो, ए हम तेरे घर पर हैं, जल्दी से आजा। ये क्या पापा, आप बिना बताए आ गए? हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो बता कर आएंगे, अपनी ये बकवास बंद कर और घर पे आ जा। मम्मी पापा आए हैं। बोलो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब मम्मी और पापा आए हुए हैं, हम दोनों मिलकर अगर बात कर ले तो काम हो जाएगा। क्या बात करनी है? खमंडी। ठीक है चलो अंदर, हाय बोलकर चली जाऊंगी। वो नहीं सुन रहे हैं माँ। ये देखो भैया आ गए। अरे मेरा बेटा आ गया, कितने दिनों के बाद आया है। फिर से शुरू हो गई तेरी नौटंकी। अब चुप भी कीजिए ना। माँ राधा है ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। वो मेरी बहन ज्योति है। पति से झगड़ा करना, रूठ कर घर आ जाना, उसकी आदत सी है। चुप कर, क्या कहा तूने? राधा कितना सुंदर नाम है, मेरे बेटे का नाम भी राधा कृष्ण है। नाम में भी राधा और बगल में भी राधा। यहाँ रुक्मिणी भी है। रुक्मिणी भी आई है? हाँ वो भी आई है, तुम लोग बात करो मैं भी आती हूँ। ए रुको रुको, कृष्णा तुम कितने पतले हो गए हो, ठीक से खाना नहीं खाते क्या? ये लड़की कौन है? रुको, वही रुक्मिणी। हाय हाय। सो तुम दोनों फ्रेंड्स हो? अभी तक वो क्लियर नहीं है। आओ कृष्णा बैठकर बात करते हैं, तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी हैं। तो बताओ कृष्णा काम कैसे चल रहा है? पता है ना रुको, चोरों को पकड़ना ही तो मेरा। तुम खुद ही एक चोर हो, तुमने सबका दिल चुराया है। वही किस्मत है। तुम्हारे पति क्या करते हैं? हे रुकी, तो अभी तक शादी नहीं हुई शायद। तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों है? बहुत सारे रिश्ते आए हैं पर मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा। अगर सब कुछ सही चला तो मेरा पति भी पुलिस वाला होता है ना कृष्णा? नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है कृष्णा बहुत बदमाशी करता था, एक बार इसने मुझे सताने के लिए मेरी चेन चुरा ली थी और फिर 3 बार रुला कर लौटाई थी। ऐसी ही हरकतें तो लड़कियों को पसंद आती हैं। तो ये चेन की स्कीम यहाँ की है? सक्सेसफुल फॉर्मूला था ना, इसलिए रिपीट कर दिया। बातों से याद आ गया कृष्णा। बता दो क्या? क्या? मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही है। क्या किया था? बहुत कुछ किया है, क्या याद रहेगा मुझे नहीं पता। इतने भोले भी मत बनो, तुमने जरूर कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया कृष्णा। अब जाओ बुला रही है। ए।
कोई फायदा नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पापा ये कैसा सिर दर्द है, पकड़ा है तो छोड़ ही नहीं रहा है। क्या हुआ? रात में मैं और रुकू दोनों आइसक्रीम खाने गए थे, तब से ये सर्दी बुखार। नहीं आदतें डालोगे तो ऐसा ही होगा। दवाई ले सकते हो ना? वैसे तो बहुत ले लिए, फिर भी कम नहीं हो रहा। डोंट वरी, ये तुलसी के पत्तों की चाय पी लो, दर्द तुरंत चला जाएगा। सच में रुको, इसे भी अभी आना था। हे, इट्स गॉन। इतनी सारी दवाइयों से जो कम नहीं हुआ, तुलसी की पत्तियों से कम हो गया? तुलसी की पत्तियों को ऐसी वैसी चीज मत समझो बेटी। तराजू में कृष्ण को तौलने के लिए सारा का सारा धन डाल दिया, तब भी बराबर नहीं हुआ। रुक्मिणी ने आकर दो तुलसी के पत्ते डाले तो बराबर हो गया। hey! और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अंकल, यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। कोई फायदा नहीं है, इसे अपनी रेंज दिखानी ही पड़ेगी। इस घर में मेरी हैसियत क्या है पता है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, क्या है तुम्हारी हैसियत? उठो। और 10 पॉइंट बढ़ गए तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बीपी की टैबलेट लीजिए सर। मेरा बीपी कम करने के लिए टैबलेट्स नहीं, फोन करने वाले का पता जरूरी है। सर, उस फोन कॉल को ट्रेस किया है, सोमालिया से आया था। सोमालिया से? सोमालिया में कौन है यार? साइबर क्राइम वालों को बताते हैं, एक मिनट में पकड़ लेंगे। क्या कहेंगे उन्हें? सही कह रहे, कुछ भी कहेंगे तो पकड़े जाएंगे। सर, दिल्ली से फोन है सर। सर नमस्कार सर। कांग्रेचुलेशन सुजाता भाई, हाई कमांड ने आपका नाम सीएम के लिए फाइनल कर दिया है। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जो हमने चाहा था वो मिल गया, मैं होने वाला सीएम हूँ, ये सुजाता होने वाला सीएम है। बाहर गेट के सामने कोई झगड़ा कर रहा है भाई। ए, तो मुझे क्यों बता रहे हो, मार कर भगा दो उसे। आपके बेटे को हम कैसे मार सकते हैं भाई? मेरा बेटा? मैं आपका अभिराम हूँ पापा। पापा? हाँ पापा। मैं तेरा पापा हूँ। पापा जिसे मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ। मेरी पर्सनल थ्योरी के अनुसार इस दुनिया में जो मोमेंट एक जगह हो रहा है वही मोमेंट दूसरे जगह भी हो रहा है। आपने कई सालों पहले जो बीज डाला था आज वो पौधे से बढ़कर इतना बड़ा पेड़ बन गया है पापा। एवरीथिंग इज इंटरलॉक्ड। अगर और एक बार पापा कहा ना तो मार दूंगा। मार दीजिए पापा, मार दीजिए। 32 सालों से पापा नाम के इमोशन को ढो रहा हूँ मैं। रात को सोता था तो सिर्फ पापा के सपने आते थे। जिंदगी में सब कुछ पापा के लिए किया, इतनी मुश्किल से आज आप मुझे मिले हैं, मैं कितना खुश हूँ। अगर चला गया तो दोबारा वापस नहीं आऊंगा। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए पापा। ये क्या कह रहे हैं? दीदी? नहीं मम्मी। सच में ये कौन है मुझे नहीं पता जानू। मेरे पैदा होने का भी इंतजार नहीं किया, मेरी माँ को छोड़कर चले आए। मुझे कैसे पहचानेंगे पापा? इसे निकालो यहाँ से। पापा यहाँ धरना करने के लिए पुलिस ने परमिशन दी है मुझे। अगर इस जगह पे मुझे कुछ हो गया तो वजह आप होंगे, ऐसी पुलिस में रिपोर्ट देकर आया हूँ। मुझसे क्या चाहिए बता तो। आपका नाम पापा? तुझे सच में मार दूंगा। प्राइवेटली जन्म दिया, पब्लिक में मारने की धमकी दे रहे हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग, सुबह सुबह आप लोगों की आंखों के सामने एक आदमी के साथ कितना अन्याय हो रहा है। पापा मुझे अपना बेटा स्वीकार कर लीजिए पापा। सर सब लोग देख रहे हैं, पब्लिक में ये सब करना सही नहीं है, दो दिन रह के खुद ही निकल जाएगा। मम्मी मेरे ऊपर दया करो, बहुत भूखा हूँ, दो ब्राउन ब्रेड मक्खन के साथ मिलेगा। पापा आपको ढूंढने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आपके बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। पापा 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 पापा। तो क्या करेगा मुझे नहीं पता, ये न्यूज पूरे राष्ट्र में फैल जानी चाहिए। अभी जाके प्रेस मीट बुलाता हूँ। क्या मंत्री सुजाता आपके पिताजी हैं? जवाब देने के लिए टेंट लगाया है। मतलब आप उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं? नंबर मुझे पता नहीं है, वो वही बता सकते हैं। सडनली आप कह रहे हैं वो आपके पिता है, इतने साल आपको पता नहीं था? आपको एक बात पता है, दुनिया में चार प्रकार के बीज होते हैं, मूर्ख बीज, समझदार बीज, ज्यादा समझदार बीज, उससे भी समझदार बीज। मैं पहले प्रकार का बीज हूँ जिसे मूर्ख बीज कहते हैं, इसीलिए पापा नाम के पेड़ को पकड़ने के लिए मुझे इतने साल लग गए। क्या आप लोग मानते हैं अभिराम सुजाता का बेटा है? अगर मानते हैं तो यस, नहीं तो नो टाइप करके 56270 पर SMS कीजिए।
1%? आपके अलावा सभी को लगता है कि वो आपका बेटा है। ऊपर से उसे अनाथों के यूनियन के प्रेसिडेंट का सपोर्ट भी मिल गया है। ये अनाथों का यूनियन क्या है? सर, सीएम का फोन है सर। नमस्कार सर। ये बेटे की क्या प्रॉब्लम है? वो पार्टी का नाम खराब हो रहा है। मुझे हाई कमान से कॉल्स पर कॉल्स आ रहे हैं। वो मेरा बेटा नहीं है सर। मैं मैनेज करता हूँ सर। जो करना है जल्दी करो, वरना तुम्हें कोई मंत्री पद भी नहीं मिलने वाला बाद में। ओके सर, आप मेरा भरोसा। वो मेरा बेटा नहीं है, ये मुझे प्रूफ करना होगा। इसके लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं सर? डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। मैं उनका बेटा हूँ ये बात भगवान ने भी मान ली है, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। पापा इस कमी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वो जो कह रहा है झूठ है, ये प्रूफ कर दूंगा। डीएनए टेस्ट से सच बाहर आ ही जाएगा। वो तो मैं पैदा होते ही तैयार था, मेरे पापा का ही खून है। जितना चाहिए काट काट कर लीटर का लीटर ले चलो, मैं तैयार हूँ। चलो, आपके सगे बेटे से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इसमें। तुझ में इतनी ही पापा, मेरे पास माँ है। पालापुर की पार्वती। पालापुर की पार्वती, चलिए पापा डीएनए टेस्ट करवाते हैं। चलते हैं। मुझे किसका डर है? कल सुबह चलते हैं। पापा, हार्ट अटैक आ गया ना, मुझे पता था। मुझे किसी का डर नहीं, सच में। तू कहाँ से मिल गया? पेपरमेंट आईडिया और तुम। ये सब क्या है जी? कुछ नहीं है जी, चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब है। जानू, इन सब पर ध्यान मत दो। 15 साल मंदिर में घूमने पर उसका जन्म हुआ है जी। सुजाता, 15 दिन पालापुर में घूमने के बाद उसका जन्म हुआ। ए, नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा। ए, उतरने के लिए कह रहा ना, चल उतर। पापा। I am Dr. DNA, Damodar Narsingh Akula, DNA. उसे ही चेंज करना है डॉक्टर। नहीं कर सकते सर, दादा ने मेरे पापा को दिया, पापा ने मुझे दिया। क्या दिया? DNA दामोदर नरसिंह आकुला। DNA रिपोर्ट चेंज करनी है डॉक्टर। सर, आप कहीं से वोट मांग सकते हैं, लेकिन आप वोट कर नहीं सकते। ठीक इसी तरह डालने पर ऐसे ही बैलेट बॉक्सेस से वोट बाहर आते हैं। डैडी, मुझे बाहर के भैया पसंद आए, मैं जाकर उस भैया के साथ खेलता हूँ। आदर्श परिवार, बड़े वाले में या छोटे वाले में काफी गैप दिया है आपने। मुंह बंद रखो और जो करने आए हो वो करो। रिपोर्ट चेंज करो। आपके हाथ में रख दूंगा सर। क्या? रिपोर्ट। मुझ पर शक किया था ना, सच क्या है ये टीवी वाले बताएंगे, देख लो। सर, रिपोर्ट के आते ही उसका टेंट हटवा दो। ठीक है सर। डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं। दोनों के डीएनए मैच होने की वजह से साबित हो गया है कि अभिराम सुजाता का ही बेटा है। अब आप उनकी जायदाद में से हिस्सा मांगेंगे? जायदाद वगैरह लेकर के मैं क्या करूंगा, वही मेरे पिता हैं। जनता को पता चल गया, यही बहुत है। ये डीएनए रिपोर्ट्स पापा को समर्पित है। कहाँ है वो डॉक्टर? सिग्नल राजा, तुमने ही तो रिपोर्ट चेंज करने के लिए कहा था। रिपोर्ट तो पूरी तरह नेगेटिव थी, लेकिन तुमने ही तो उसे पॉजिटिव करवाया था। मतलब वो मेरा बेटा है? नहीं, वो किसी और का बेटा है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद पार्टी की इमेज को ध्यान में रखकर सुजाता जी को सीएम की रेस से बाहर कर दिया गया है, ऐसी घोषणा की गई है। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। सर फोन। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ मामू, सीएम बनोगे? सीएम क्या, पार्टी का कार्यकर्ता भी बनने नहीं दूंगा। सोच रहे हो सडनली बेटा कहां से आ गया? उसे सेट करने वाला मैं ही हूँ। तो
तुम्हारा नाम खराब किया, तुम्हारा पैसा चुराया। मेरे अगले कदम से तुम जीरो बन जाओगे। सुजाता। वो जो कोई भी है बहुत चालाक है। आपके 30 साल का सपना उसने 3 दिन में खत्म कर दिया। किसी पॉलिटिशियन के लिए उसकी ताकत पैसा और उसका पद है। आज तुमने उसे कमजोर कर दिया। अब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। उसके मुंह से ही जनता में सच बुलवाना है। वो क्रिमिनल है ये प्रूव करना होगा। उसके लिए उसके कराए हुए बम ब्लास्ट के साथ उसके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाले चोरों को भी पकड़ना होगा। वो कौन है सुजाता के अलावा किसी को नहीं पता। कैसे पकड़ेंगे उन्हें? मिनिस्टर सुजाता पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य 4 आरोपी शहर में फिर से दाखिल हो गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसी अनजान व्यक्ति ने दी है और पुलिस उस बात की छानबीन कर रही है। ये लोग क्यों आए हैं? पता नहीं सर। ये लोग पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। क्या हुआ सर? सबको यही पता है कि ब्लास्ट वाले दिन मुझे मारने के लिए 3 क्रिमिनल्स आए थे। उस टीम में चौथा इंसान है, ये बात मेरे और अमित के अलावा किसी को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं। चौथा वाला कभी नहीं दिखता, वो सिर्फ मेरे प्लान्स एग्जीक्यूट करता है। उस दिन फैक्ट्री में सिर्फ मैं और अमित थे। वो एसआई राधाकृष्ण था। अमित मर गया, मेरे आदमी को उस एसआई ने मार दिया। मैंने किसी को भी नहीं बताया। मतलब उसे साई ने सब कुछ सुना था। नेताजी, उसके गांव आया हूँ। वहाँ भी वो जोकर गिरी कर रहा है क्या? नहीं नेताजी, उसने हम लोगों को जोकर बनाया है। उसके बारे में जानकर दिमाग खराब हो गया है। जिसके कान खराब होते हैं वो लोग मशीन लगाते हैं ना। लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा सुनाई देता है नेताजी। उन्हीं साउंड को कंट्रोल करने के लिए वो कान में कैप्स लगाता है। कैप्स लगा कर भी वो सब कुछ क्लियर सुनता है। A for apple, A for apple. B for ball, B for ball. C for cat, C for cat. राधा कृष्णा, तू हंस क्यों रहा है? बाजू की क्लास में एक लड़की जोक सुना रही थी तो वो सुनकर हंसी आ गई मैडम। वहाँ की बातें तुम्हें यहाँ सुनाई दे रही है? मुझे ऊपर की क्लास की बातें भी सुनाई दे रही है मैडम। ये आंसर क्या है देखना। करोड़ों में कोई एक ऐसा बच्चा पैदा होता है नेताजी, और ये उसी में से एक है नेताजी। हम उसके बारे में जानने के लिए गली गली घूम रहे हैं और वो आपके घर में बैठकर ही आपके बारे में सब कुछ जान रहा है। हम सबकी नजर में वो बच्चे के साथ खेल रहा था, लेकिन दरअसल वो मेरे साथ खेल रहा था। कहाँ है वो? वो लड़की होश में आ गई है, अपने पति से मिलना चाहती है। वो नहीं आए भैया मुझसे मिलने। ड्यूटी पर है क्या? अंकल, अब्बू कहाँ है? अब्बू को देखना है। अब्बू जान है ना? अब्बू जान है, कैंप गए हैं, आ जाएंगे। क्यों चाचा? हाँ बेटा, आ जाएंगे, आ जाएंगे। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर चले। भैया, मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपके आंसू सच कह रहे हैं। उन्हें क्या हुआ है भैया? वो अभी मैं जिस स्थिति में हूँ वो कहीं भी हो आ जाते। नहीं आए मतलब समझ आ गया कि वो नहीं है। डरिए मत, मैं जीऊंगी भैया, मेरी बेटी के लिए जीऊंगी। Thank you.
नहीं चल रहा है। पता नहीं उसको कितनी चोट लगी है। अरे कुछ मशीन करो। क्या किया जाए? जल्दी जाओ, एम्बुलेंस को फोन करो, जाओ। क्या हुआ? चिंता की कोई बात नहीं, बच्चे खतरे से बाहर है। क्या हुआ यहाँ? छोटा एक्सीडेंट हुआ है सर। वो बच्ची रहीम की बेटी है ना? फातिमा बेगम ठीक हो गई? हे, मुझे देखकर सल्यूट क्यों नहीं किया? मॉर्निंग सर। ए, ऐसे नहीं। तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई? मैं करूँ तुम्हारी तरह? गुड मॉर्निंग सर, आई एम रिपोर्टिंग सर, आई एम ऑन ड्यूटी सर। सोचा कि एक बेवकूफ मिल गया है तो उसके साथ थोड़ा गेम खेल लेता हूं। तुझे दोनों क्या लीला दिखाई तूने? कृष्ण को भी पीछे छोड़ दिया, अपने कानों में कैप्स लगाकर मेरे कानों में बांसुरी बजाते रहे। बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले उन चारों की फेक न्यूज रिलीज करके बहुत अच्छा काम किया, सावधान हो गया और उन चारों को मैंने ऊपर भेज दिया। अब मेरे पास कोई वीकनेस नहीं है। उस लॉरी ड्राइवर को मैंने मारने के लिए कहा था, जस्ट मिस कर दिया। लाइफ में जिस किसी भी चीज से तू इमोशनली कनेक्टेड है ना, उसे छीन लूंगा, पर पहले तेरे प्राण लूंगा। वही तुम्हारी यूनिफॉर्म, वो तो जरूर छीनूंगा। हाँ, यही यही रिएक्शन चाहिए। ये तेरा सस्पेंशन लेटर, बाद में तेरा परिवार, उसके बाद तेरा लव। एक एक करके जाएंगे, तुझे संभलने का वक्त भी नहीं दूंगा। तू बस हमेशा भागता रहेगा। राधा कृष्णा। एक पॉलिटिशियन ने पुलिस वाले के हाथ में सस्पेंशन लेटर दिया है। तुम्हें बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। सही कहा सर, बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो लोग हमसे पंगा ले सकते हैं ना, खुद के स्वार्थ के लिए पुलिस वालों को मार भी सकते हैं वो लोग। वो सही है ना सर? कृष्णा, तुम्हारे उल्टे सीधे फैसलों से अपने डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है। अपने डिपार्टमेंट की वैल्यू है कहां सर? हर गवर्नमेंट ऑफिसर दिन में 8 घंटे ही काम करता है, हम 24 घंटे काम करते हैं। राउंड द क्लॉक खुला रहने वाला इकलौता गवर्नमेंट ऑफिस हमारा पुलिस स्टेशन है, फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जब सारे लोग त्योहार मनाते हैं तो हम त्योहार छोड़कर उनकी रखवाली करने में लग जाते हैं। क्यों हमारे परिवार नहीं है सर? उनकी वैल्यू किसी को पता है सर? पुलिस एक नौकरी नहीं है, जिम्मेदारी है। वैसे भी बाहर के लोग हमारी इज्जत करना तो दूर, हमने खुद की इज्जत करनी छोड़ दी है। 12 पुलिस वालों के मरने पर हमने उनके लिए क्या किया है सर? पत्नी मौत के मुंह में थी तो भी आकर ड्यूटी की उस रहीम ने। उनकी बेटी आकर पूछ रही है कि उसके पापा कहां हैं। जवाब कौन देगा सर? अब ये आप ही बताइए सर। तुम्हारे पापा पीकर मर गए ऐसा उसे बोल देंगे सर? अच्छा रहेगा ना, एक कौवे के मरने पर भी 100 कौवे जमा हो जाते हैं।
लेकिन खाकी वर्दी वाले पे अन्याय होने पर हम में से कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है सर? इसलिए यह आवाज उठाई है, मुझे सिंसियरली काम करने के लिए ही यह नौकरी दी गई है, लेकिन उसी सिंसियरिटी के कारण यह नौकरी चली जाएगी यह नहीं सोचा था। मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूं, लेकिन सुजाता को अरेस्ट करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए हमें। सबूत हैं सर, थोड़ी देर में आपके पास होंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, अगर किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट से पंगा लिया तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उसका क्या हाल किया ये बात न्यूज में नहीं आनी चाहिए। बस इतना कीजिए सर, दैट्स माय रिक्वेस्ट। चलता हूं सर। राधा कृष्णा, क्या हुआ? सारे पुलिस वाले क्यों चले गए? आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ऐसा डीजीपी ने कहा है सर, इसीलिए पुलिस वाले जा रहे हैं। सर, आपके बारे में जनता को सच पता चल गया है। मंत्री सुजाता के सारे काले चिट्ठे खुल गए, उनके और उनके चार आदमियों के बारे में पुलिस वालों ने मीडिया को बताया है। तब से लेकर आज तक सुजाता ने जितने भी कांड किए हैं हम सब उसमें शामिल थे, और पार्टी मीटिंग में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें भी हम सबका हाथ था। इन सबको तो मार दिया था ना? अभी कुछ दिनों पहले एमएलए को मारने का प्लान भी सुजाता ने ही बनाया था। 2001 के इलेक्शन में 13 लोगों को मरवाया था। 2006 में मंत्री केशव राव की हत्या मुझसे ही करवाई थी। मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं को मारना चाहता था, वो हमें भी मारना चाहता। चलो सब लोग। हाँ, 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 चलो। चलो। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? गुस्से में है राष्ट्र की जनता, पीड़ितों के परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुजाता के ऑफिस और घर को घेर लिया है, और जनता को संभालना अब मुश्किल हो रहा है। सर, सर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने पर वो आपको नहीं छोड़ेंगे, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके खिलाफ है, जनता आपको पक्का मार देगी सर, सीएम भी आपकी कोई मदद नहीं करने वाले, अगर मैं भी यहाँ रहा तो मैं भी मर जाऊंगा सर, मैं चलता हूँ। आओ भाई। हा? हमें भी कुछ काम है तो हम लोग चलते हैं, ठीक है? चलो रे। मैं मंत्री सुजाता बोल रहा हूँ, मेरी जान इस समय खतरे में है, प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। अरे रे 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 रे, तुझे अब तक 100 नंबर याद है? अपनी जान बचाने की तू भीख मांग रहा है, इससे मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। पूछ। वो चार लोग तो मर गए थे, उनसे सबूत कैसे इकट्ठा किया तूने? वो लोग नहीं मरे थे, बल्कि वो मरे जिन्हें तूने मारने भेजा था। उन चारों को लाकर सबूत रेडी करने से पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, सही समय का वेट कर रहा था। तेरे सारे ऑप्शंस क्लोज्ड सुजाता। तुझे चाहिए क्या? रेस्पेक्ट, डिपार्टमेंट की रेस्पेक्ट। जहां पुलिस वालों को मारा है वही खड़े होकर गलती मान ले, तभी पुलिस वाला एफआईआर लिखकर ड्यूटी करेगा। कम से कम पानी तो दो। वाटर, वाटर, पानी प्लीज दो। पा,
पानी। ये और इसकी ओवर एक्टिंग। एक्टिंग बहुत अच्छी करता है सर। ये नहीं बदलेगा, इसको प्रोटेक्शन भी मत दो। चले यहाँ से। तू मत जा, अगर तू चला गया तो जनता मुझे मार देगी। गलती की है, अपने पद के लिए पुलिस वालों को मार दिया, उनका नाम जनता में खराब कर दिया। गलती मान रहा हूँ, गलती मान रहा हूँ। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ए, अगर तुम लोग गए तो ये मुझे मार देगा, अगर तुम लोग गए तो ये सब मुझे मार देंगे। तुम लोग यहीं रहो, तुम लोग यहीं रहो, कहीं मत जाओ तुम लोग, मना कर दो प्लीज। अब जान की कीमत पता चली तुझे? एक की जान जाने पर कौन आता है पता नहीं, लेकिन 100 डायल करने पर पुलिस वाला जरूर आता है। ऐसे पुलिस वाले को मार कर खेल खेलता है तू? हाँ, अभी उसी पुलिस वाले के पैर पकड़ लिए, अरे तुझे उसी दिन मार देता। लेकिन ऐसा करने पर तेरे जैसा कोई और आ जाता। ऐसा ना हो इसलिए तुझे सड़क पर लेकर आया हूं और तेरे मुंह से सच उगलवाया। ऐसा करने से फिर कभी कोई गलती नहीं करेगा? नहीं करेगा। कुछ लोग तेरी ये हालत देखकर डरेंगे, कुछ लोग ये सुनकर डरेंगे। अगर कोई और बचा होगा तो हमें देखकर डर जाएगा। ए, नहीं, मुझे मारो मत। कृष्णा कभी मारते नहीं है, स्केच बनाते हैं। अब इससे बात क्या कर रहे हो? मार दो इसे! मार दो इसे! अब उसका क्या होगा सर? उसे मैंने दो ऑप्शंस दिए थे, पहला पुलिस का भरोसा करके बच जाना, दूसरा जनता के हाथों मर जाना। अब उसने दूसरा सेलेक्ट किया तो वो उसके कर्मों का फल है। कृष्ण तो धर्मराज के पासा खोलने से पहले भी बाजू में थे और खेलने के बाद भी बाजू में थे। खेलना है या नहीं ये बोलकर पूछ लेते तो युद्ध ही नहीं होता। कृष्ण हमेशा बाजू में ही होते हैं, हम ही नहीं देखते। उसे सजा भुगतनी होगी, धर्म की जीत होनी चाहिए। जाना पड़ेगा ना रुको। यहाँ किसी को मेरी चेन मिली क्या? मुझे कुछ नहीं पता। कृष्णा फिर से शुरू कर दिया। मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे तो भेज सकती हो, लेकिन उन गोपियों से इस कृष्णा को कैसे दूर रखोगे? हाय हाय। ची ची ची, मच्छर 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 है मच्छर। क्या है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, पति नहीं है, सबको मेरा कृष्णा ही चाहिए। That's enough now. अब दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। आओ ना, दिखा दो। मैं नहीं देख सकती, बाय। आओ ना, आओ अपनी हैसियत जल्दी दिखा दो। अरे पगली, वो सारी तो मेरी भक्त हैं, मेरे दिल में तो हमेशा तुम ही रहोगी ना। सच कह रहे हो? भक्त जो भी दे स्वीकार करना चाहिए। एक बियर देना। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे देखकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। मैं हूँ सामी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, टेरुनेल वैली सिटी। मैं पुलिस नहीं, गुंडा हूँ। मैं भावना बोल रही हूँ। ओ, मेरी कैसे याद आ गई? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी का हाथ दे दीजिए।
चलिए फूल फेंकिए सभी लोग। सर, मेरे हाथ में 98 एमएलए और एमपी है और सरकार को मैं संभालता हूँ और मुझसे पंगा लेने आया तू? हाँ सामी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा करने के लिए तुम कोई भी हद पार करोगे, किसी को भी मार डालोगे, वो गलत नहीं होगा। तुमने मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया? तुझे अरेस्ट करूंगा तो तू जिंदा रहेगा और वो प्रॉब्लम होगी। मार दूंगा तो तेरा पुतला बनाकर उसकी आरती उतारेंगे और तुझ जैसे 10 और पैदा होंगे। इस वक्त पूरा शहर ये समझता है कि तू भाग गया है। पुलिस रिकॉर्ड में ये होना चाहिए कि तू स्वामी से डर के भाग गया। दोनों ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम उन्हें देख लेंगे। अरे जाइए आप लोग, पहले निकलिए। भैया भैया भैया, आपकी भतीजी को पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। ये क्या कर रहे हैं? मारो भैया, देखिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमें आप सब पर एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस वाले, तेरी बेटी ऐसा करती तो तू क्या करती, बोल। पागल हो गया क्या? पता है किससे बात कर रहा है? ब्रो चुप कर, इज्जत से बात करो, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे कांस्टेबल चुप कर, तू गुस्से में आ गया तो पुलिस स्टेशन जला के राख कर दूंगा। देख क्या रहे हो, दोनों को बाहर लेके आओ, जाओ। अबे देख क्या रहे हो, जाओ मारो उसे। औरतों से कैसे बात करते हैं तेरी माँ ने सिखाया नहीं? बड़ों से कैसे बात करते हैं तेरे बाप ने नहीं सिखाया तुझे? ये कौन है? ये सीनियर कांस्टेबल है। और ये कौन है पता है? सब इंस्पेक्टर। लेकिन आज तुम मुझसे एक बात सीख कर यहाँ से जाएगा, ये हर इंसान से इज्जत से पेश आना चाहिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? दो प्यार करने वालों को जुदा करना चाहते हो? कितने पिछड़े हो तुम? हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं लेकिन आप लोग आज भी जात पात के पछड़े को लेके बैठे हैं। याद रखिए, इंसान एक होता है और उसकी जात होती है इंसानियत। अगर वही नहीं है तो हम इंसान किस नाम के, हमें डूब के मर जाना चाहिए। अब क्यों बोलती बंद हो गई? इधर आओ, मैं अभी इसी वक्त इनकी यहाँ शादी करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की इज्जत करता हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जाओ, मैंने कहा ना जाओ। आप भी इसके प्यार की इज्जत कीजिए और इसकी मर्जी से इसकी शादी करवाइए। अगर आप लोगों ने कुछ और प्लान किया तो
ठीक है, जाइए। आइए सर, 4:30 बजे आने वाले थे, बिल्कुल 5:30 बजे आए हैं। सॉरी मेरी जान, पुलिस स्टेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। आपसे मिलने मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आई हैं, अंदर वेट कर रही हैं। हेलो। हेलो, बैठिए बैठिए, कैसी हैं आप? अच्छा, सब ठीक है। हम सब लोग IAS का फॉर्म भर रहे हैं और कल उसकी लास्ट डेट है। हमने भावना को भी भरने के लिए कहा सर, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। सर ये भी कलेक्टर ही बनना चाहती है, लेकिन शादी होने की वजह से हम ये मना कर रही है। मुझे बताया क्यों नहीं? वो क्योंकि, क्योंकि? मैं बताती और आपको अच्छा नहीं लगता और नाराज हो जाते, तो इसीलिए। तुम IAS ऑफिसर बनना चाहती हो और तुम्हें लगा मैं इस बात का बुरा मानूंगा, तुम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगी। एप्लीकेशन कहाँ पर है? एप्लीकेशन फॉर्म उसके पास है, फॉर्म अंदर रखा हुआ है। जाओ लेकर आओ। थैंक यू स्वामी। ओके मेरी माँ। ए पगली, संभाल के। हमने सुना है आप उसे पगली बुलाते हैं। दरअसल गुस्से में या प्यार से मैं उसे पगली ही बुलाता हूँ। एक बार हमारे सामने बुलाइए ना। ए पगली सुनना। अभी आई। पूरे 1 साल हो गए, पेरूमल जी कहाँ चले गए पता नहीं चला। कोलंबो में पेरूमल जी की दूसरी पत्नी रहती है, वो वहीं गए होंगे। ये बताओ कि उनके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं। हाँ? उनके पहले का नाम है महेंद्र। हाँ? दूसरे का नाम है देवेंद्र और तीसरे का रावण। क्या कहा था तूने? मेरे पिताजी डर कर भाग गए, इसी मुंह से कहा था ना तूने? माई माई, पूरी दुनिया ये कहकर मेरा मजाक उड़ा रही है कि मेरे पिताजी एक आदमी से डर कर भाग गए और आप लोग बेशर्मों की तरह यहाँ खाना खा रहे हैं। माई बताओ मेरे पिताजी किसके डर से भागे थे? तुम्हारे पिताजी डरपोक नहीं थे, वो बहुत बहादुर थे। हमें कभी पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। दुश्मन अगर हमारी दोनों आंखें भी निकाल देता है तो भी हमें उससे डरना नहीं चाहिए, समझ गया? मुझे अभी जानना है कि मेरे पिताजी को क्या हुआ था। रावण ये पासे कुछ नहीं बता रहे हैं, लगता है जरूर वहां कुछ गड़बड़ है। तुम लोग फौरन ही उस जगह पर चले जाओ। ठीक है माई। बताइए चाचा यहाँ क्या हुआ था, मेरे पिताजी कहाँ हैं? सामी के साथ लफड़ा होने के बाद उनकी कोई खबर नहीं है। सामी ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल लिया है। मुझे धोखा देने वाले से बिना बदला लिए मैं वापस नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मेरे पिताजी के साथ कौन था? जब तक पेरूमल जी शहर छोड़कर नहीं भागे तब तक मैं उनके साथ ही था। बकवास करता है, मेरे पिताजी भागे नहीं थे। भैया ये लोग हमारी इज्जत करते हैं लेकिन डरते नहीं है। अभी जो इसकी हालत की है ना, वैसी हालत पूरे शहर की होनी चाहिए। बताइए मेरे पिताजी के खिलाफ जो अप्रूवर बना था वो कहाँ है? वो अभी अभी जमानत पर बाहर निकला है। सर, जब से पेरूमल के तीनों बेटे कोलंबो से यहाँ पर आए हैं
तब से पूरे शहर की शांति चली गई है। ये बात बिल्कुल सच है सर, उन्होंने बीच बाजार में हमारे अप्रूवर को मार डाला सर। हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स उसके हाथों बिक चुके हैं सर। सुनिए, आप ट्रांसफर के लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिए, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? आपने इस शहर में शांति स्थापित की थी और सभी लोग खुश थे। फिर से पेरूमल के परिवार से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जहां जहां मेरे पिताजी गए मुझे वो सभी जगहों पर जाना है। चलने की तैयारी करो। पता करो, एक एक को पकड़ के पूछताछ करो। हमने सुना है वो यहीं पर आए थे। हे रावण, अब तक पिताजी की कोई खबर नहीं मिली। पूछो भाई, जरूर मिलेगी। रो मत बेटा, देख मैं आ गई। बस 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 बस। बहुत प्यारा है। उम्र क्या होगी इसकी? अरे रे रे रे। एक साल का है मालिक। सही उम्र बताओ ना। 11 महीने और 10 दिन मालिक। उस दिन तुम्हारे बेटे की उम्र 10 दिन थी, तुम घर से बाहर नहीं गई होगी। उस दिन क्या हुआ तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा। मैं कुछ नहीं जानती मालिक। मालिक, मेरा बेटा। क्या फिर है मालिक? छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं सब बता दूंगा आपको, सब बता दीजिए। भैया, पिताजी भागे नहीं थे, इज्जत से मर गए। सब जगह पोस्टर लगाओ, हर जगह उनका पुतला बनाओ। पेरूमल जी एक त्यागी थे, वीर थे मेरे पिताजी। मिस्टर सामी, yes, आपने जो कहा था, आपका ट्रांसफर तिरुनावली में हो गया। थैंक यू सर। जॉगिंग कर रहा हूँ। मिनिस्टर का प्रोग्राम चेंज हो गया है, पीएम के साथ उनकी मीटिंग है, उन्हें जल्दी जाना है, तुम जल्दी आओ। हे, मुझे जाना होगा। मिनिस्टर के साथ काम करोगे तो ऐसा ही होगा। ओह, राम, कितनी देर लगा थी, जल्दी आओ ना। 10 मिनट्स। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। शांति, दिया लंदन से आ रही है, तुमने एयरपोर्ट के लिए गाड़ी भेजी? सुबह मैंने गाड़ी भिजवा दी। गुड मॉर्निंग सर। सुनो राम, 12 बजे तक पीएम के साथ मेरी मीटिंग है। यस सर, एग्रीकल्चर मीटिंग के लिए चंडीगढ़ जाना है और रात को दिल्ली वापस आना है। कीप योर प्लान अकॉर्डिंग टू दिस। ओके सर, चलता हूँ। हाँ। सर, पीएम मीटिंग के बाद 2 बजे मैंने आपकी चंडीगढ़ की एक फ्लाइट बुक की है। सर, बस उम्मीद है कि मीटिंग टाइम पर खत्म हो जाए, क्योंकि उधर की मीटिंग के बाद रात को वापस आने की फ्लाइट नहीं है, तो आपको रोड से आना पड़ेगा, जो सेफ नहीं होगा क्योंकि बीच में 2 जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आज रात आप चंडीगढ़ में रुक जाइए, मैं कल सुबह 7:55 की दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट बुक कर देता हूँ। ओके ओके सर, आई चेक कर ऑफ दैट। श्रवण, अपना शक्ति ठीक से गाड़ी एयरपोर्ट ले जाएगा ना? नॉर्मल शक्ति बनकर जाएगा तो पहुंच जाएगा। सर की गाड़ी में सायरन लगाया और शक्तिमान की तरह गया है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्या? किस देना? नहीं। रुक 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 रुक। एक ही किस, किस? रुक। दिन दहाड़े बीच सड़क में कार के अंदर एक लड़की का रेप कर रहा है। बात कर रहे तू? भाई,
रितु, बस यही प्रॉब्लम है इस शहर की कि तुम लोग लड़की देखते ही छेड़ने लगते हो, चुम्मा चाटी करने लगते हो। जानवरों से भी बदतर हालात है तुम लोगों की। जानवर कम से कम गाड़ियों में तो चुम्मा चाटी नहीं करते, वैसे भी यहाँ इतनी गर्मी है कि पसीने से आदमी की चड्डी गीली हो जा रही है, और तुम लोगों को लड़की छेड़ने का मूड कैसे हो जाता है? पागल, ये मेरी पत्नी है। चुप। पत्नी? इसे देख कितनी प्यारी सी है, मासूम सी है, और तू इस पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। पत्नी है? तो मेरा पति है। क्या फर्क पड़ता है ये कौन सा पति है, ये अंबिका का पति हो या रघुपति का पति हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, तुम इस आदमी को यूं बेरहमी से क्यों मार रहे हो? सर, ये मोटू है ना, कार के अंदर इस लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम दोनों पति पत्नी है सर। सर सुना ना आपने, ये पत्नी को छेड़ रहा था। अरे मूर्ख, पत्नी का मतलब बीवी होता है, बीवी समझ गया? अच्छा बीवी है। अरे गधे की औलाद, ये तेरी गाड़ी पे सायरन क्यों है? मैं मंत्री का साला हूँ। मंत्री का सायरन अलाउड नहीं है, तो साले का सायरन कहाँ से आ गया? तुमने क्यों सायरन लगाया है? अबे पुलिस वाले से पंगा लेता है तू, पुलिस वाले से पंगा लेता है तू, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अभी तू बन के आया था मंत्री का साला, अब यहाँ से तू सर्कस का जोकर बन के जा, चल साले। अरे की औलाद, शक्ति मैन बन के आया था, मुझे तो सायरन मैन बना दिया। राम, मैम मेरी बेटी आज लंदन से आ रही है, शक्ति उसे लेने गया लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है, क्या तुम उसे एयरपोर्ट से ले आओगे? श्योर मैम। तुमने उसे देखा नहीं है ना, तो उसका नंबर ले लो। सॉरी, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। यस। तुमने जानबूझ कर टक्कर मारी ना? नहीं तो? हाँ, तुमने जानबूझ कर टक्कर मारी। बिल्कुल सही कहा आपने, आपको मजा आया ना? इडियट्स, पिकअप करने भी नहीं आया कोई मुझे, कार तो यही है। हे ड्राइवर, ऐसे गाड़ी के पास क्यों खड़े हो? अराइवल गेट के पास आना चाहिए था ना। सॉरी मैम। हेलो, लगेज भी मैं ही उठाऊं। सॉरी। गाड़ी का एसी चालू रख के आराम कर रहे थे? नहीं मैडम। तो फिर इतना चिल कैसे हुआ? मैंने आपके लिए एसी ऑन रखा था। या फाइन। वेलकम भैया, कैसी हो बेटा? ये कैसा ड्राइवर रखा हुआ है, उसे मेरा लगेज भी नहीं उठाया। वो ड्राइवर नहीं है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, उसने आईएएस एग्जाम लिखा है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने उसे भेजा था। ये लो, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप ड्राइवर नहीं हो ये बता नहीं सकते थे? अब बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? इट्स ओके। ऐसे कैसे इट्स ओके? आपने बताया होता तो मैं उस तरह से बात नहीं करती आपसे। आप मुझे बताते नहीं, मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ती और आखिरकार मैं ही बुरी बन जाती। क्यों? आप जैसा सोच रही हैं। अपने आप को इंफीरियर बनाते हो और दूसरों को फिर गलत कहते हो, ऐसी है ना? एक काम करते हैं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता हूँ। आप अंदर से आइए, प्लकार्ड पर आपका नाम होगा, मैं आपका लगेज उठाकर गाड़ी में रखूंगा, फिर कहूंगा कि मैं ड्राइवर नहीं फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। उसके बाद आप गाड़ी में बैठिएगा, मैं आपको घर लाकर छोड़ दूंगा और मामला सेटल हो जाएगा। हेलो, डैम इट। दिया, दिया, तुम आ गई दिया। ए मेरे मूर्ख मामा, मुझे एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं आए, कहाँ घूम रहे थे तुम? मैं एक अच्छा काम करने गया था लेकिन मुझे हिंदी पूरी तरह नहीं आती, इसलिए मेरा बैंड बज गया। इतने साल दिल्ली में रह चुके हो और तुम्हें अभी तक हिंदी नहीं आती है? अरे हिंदी बोलना पड़े तो बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इधर सब चाहते हैं कि हम हिंदी में हंसे और हिंदी में रोए। यहाँ के लोग पूरे पागल है दिया। मेरी बात सुनो दिया, जब तुम यहाँ नहीं थी तो इस घर में किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, पता है तुम्हें? मैंने भी कब की है? वो चलता है क्योंकि तुम बचपन से ही ऐसी हो, मैं तेरा मामा हूँ इसलिए तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब से तुम्हारा मैनेजर, पीए, ड्राइवर, सिक्योरिटी, ये सब मैं ही हूँ। सच में? क्या ये नेपाली सिर्फ क्या क्या ही करते रहता है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता क्या? दिया बेटी, क्या राम को जल्दी से आने के लिए कहना, उसे बताना भूलना मत। ठीक है जी, संभल कर जाइएगा। तुझे वर्कआउट के टाइम में ही फोन आते रहते हैं। हाँ दादी माँ। दादाजी मंडप मुहूर्त के लिए गए हैं, तुझे याद है ना बेटा? 7:30 से 9 बजे तक का मुहूर्त है, अशोक का में शादी है, दूल्हे का नाम मूर्ति है, दुल्हन का नाम नंदिता है, 9:45 को मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। करेक्ट बोला।
शुक्लम भद्रम विष्णुम शशिवदनम सतत पूजम प्रसन्न वदनम याहे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे साधिके। शादी रोको। आप रुक क्यों गए? मंत्र पढ़ना चालू रखिए। सर्व मंगल मांगल्ये। हे पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर। मीनाक्षी इधर आओ। ए मीनाक्षी, तुमने किससे पूछकर ये शादी तय की है? बिना मुझे बताए मेरी बेटी की शादी करवा रही हो? मेरी बात जरा शांति से सुनिए, पहले बैठिए तो। ए दूल्हे, उठ उठ उठ। राम, तुम इधर से जाओ, मुझे नहीं लगता ये शादी होगी। दद्दू, यहाँ बवाल मच गया और आप मुझे जाने को कह रहे हैं? होने दो, 10:30 से 12 बजे तक शुभ मुहूर्त में ये शादी करवा दूंगा। तुझे शर्म नहीं आई? डिवोर्स तो तूने दिया था मुझे, लेकिन ये तो मेरी बेटी है ना। मेरी बेटी की शादी मुझे बताए बगैर कर रही हो? ये शादी नहीं हो सकती। आपकी इसी गुंडागर्दी की वजह से मैंने आपको डिवोर्स दिया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप शादी को क्यों रोक रहे? शादी होने दीजिए, आप मेहरबानी करके वहाँ बैठ जाइए। 2 कौड़ी का पुलिस वाला मुझे समझाएगा? ये तो मेरी बेटी है ना, या वो किसी और की बेटी है? बता, जवाब दे, बोल। रुक जाओ। औरत हो या बुजुर्ग हो, सबसे इज्जत से पेश आना चाहिए। तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया क्या? पंडित, निकल जाओ। देखो मजाक कर रहा है। निकल जाओ। तुम्हें इतना गुस्सा कहां से आया? तुम जैसे पंडित जो सुबह शाम पूजा करता है, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसा तुमने तीसरी बार किया है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जैसे वो बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर मुझ पर गिरे तो पता नहीं अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं। अगर पुलिस केस हो गया तो तुम IAS ऑफिसर नहीं बन पाओगे। तुम्हें IAS बनना है क्योंकि तुम्हारी माँ का यह सपना था, तुम्हारे पिताजी का लक्ष्य था। आप टेंशन मत लो दादू, आप लाख कोशिशें कर ले उसका गुस्सा कम नहीं होगा, क्योंकि उसके पिताजी के गुण तो आएंगे ना उसमें। त्यागी पेरुमल जी, त्यागी पेरुमल जी, त्यागी पेरुमल जी, इस इलाके के सभी लोगों के लिए अपने त्यागी पेरुमल जी ने एक त्याग नहीं बल्कि अनेक त्याग किए हैं। रावण भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया रावण भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद।
सॉरी सर। इतनी बेइज्जती काफी है या? रावण भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, रावण भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद। ये एक्सीडेंट में मरा है ये हमको सबको पता है, लेकिन ये सब रोकने के लिए यहाँ एक ईमानदार कलेक्टर का आना बहुत ही जरूरी बन गया है। यहाँ के सभी एमपी और एमएलए आए हैं रावण, सिर्फ विश्वनाथ नहीं आया। आंध्रा तेलंगाना दोनों स्टेट में राम यस सर, हमारी पार्टी के लोग पूरे स्टेट में दिलो जान से। हेलो विश्वनाथ को फोन दो, आप कौन हो? तू कौन है? सामी। कौन? सामी। हेलो सामी है? राम सामी। मंत्री को फोन दे बोला ना। आप कौन है? बोलो किसी भिखारी का फोन है सर। किसी भिखारी का फोन है? हाँ। क्यों सेंट्रल मिनिस्टर फंक्शन के लिए भी नहीं आए और पैसे भी नहीं दिए? पैसे तो पार्टी देगी, मैं थोड़े ही दूंगा, थोड़ा और वेट कीजिए। 600 करोड़ दिल्ली से यहाँ लाकर तेरे पास पहुँचाया ना, तो अब क्या हुआ? कमीशन के पैसे देने में तकलीफ हो रही है? अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुझे इन 28 सालों में सेंट्रल मिनिस्टर को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी का काला धन और बड़े बड़े बिजनेसमैनों का काला धन 10% के कमीशन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी पहुंचा देता है। इतना घिनौना काम वो बहुत इज्जत के साथ कर रहा है, इसलिए बहुत सारे नेता और बिजनेसमैन उससे डरते हैं। इसलिए वो लोग अपना सारा काला धन बेझिझक इसके हवाले कर देते हैं। वन बाय टू तो ठीक है, 2/6 तो बहुत ज्यादा ही कंजूसी हो रही है। होटल का ओनर देखेगा तो भगा देगा। दिया, लंदन में तुमने क्या किया? मैंने लिवरपूल यूनिवर्सिटी से ह्यूमन साइकोलॉजी का कोर्स किया है, 1 साल का कोर्स था। और दिल्ली का क्या हाल है, पिछले साल की कोई खबर? 165 रेप्स एंड 365 सेक्सुअल हैरेसमेंट्स। शिट, ऑल दिस पीपल आर साइकोलॉजिकली अफेक्टेड, ब्लडी सैवेजेस। हे राम, हाउ आर यू डूइंग? Ram, you're not getting me an appointment with your minister. Sorry, he's been a little busy, so... Ram, my MD needs to have a detailed discussion about organic farming in India. Please, hey, you need please, to help me on this. Don't do that. Please, appointment dila. मैंने कहा ना मुझे छुआ मत। Hey, ऐसे क्यों behave? Hey! क्या हुआ? औरत होने के बावजूद आपको शर्म नहीं आती? यहाँ सब बैठे हैं, देख रहे हैं, बात का बतंगड़ बनेगा। Come on! तू के कौन? Hey, Ram! Hey, बिल दे। Hey, Ram, सुन ना, माल है। जा रहा हूँ। हेलो, जरा रुकिए। एक लड़की को मारने के लिए हाथ उठाया ना आपने, आप उसे मारने वाले थे? आपकी क्या प्रॉब्लम है, जाइए। लेडीज पे हाथ उठाना ये कितना बड़ा गुनाह है जानते हैं ना आप? मुझे क्यों घूर रहे हो? हाँ, मन कर रहा है इसीलिए किसी पे भी हाथ उठाएंगे। चलो मुझ पे हाथ उठा के दिखाओ प्लीज। क्या हाथ लगाऊंगी तो ही मारोगे? से थैंक्स। हम कुछ मांगे और कोई फौरन दे दे तो थैंक्स कहते हैं, दैट्स मैनर्स। से थैंक्स। थैंक्स, दैट्स बेटर। दिल्ली महानगर में जंतर मंतर के सामने मेरी दीदी की लाडली बेटी को किसने थप्पड़ मारा रे? किसने मारा रे? उसने कैसे मारा रे? बता कैसे मारा? जिसने तुम्हें मारा, जिसने तुम्हें मारा उसे उसी तरह मैं भी जाकर मारूंगा। टेल टेल। उसने ऐसा मारा कि तुम भी मेरी तरह बाउंस हुई थी क्या? नहीं। मुझे बताओ फिर तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? मैंने कहा मारा, तुम्ही ने तो मांगा। परवा नहीं, तुम मेरी दीदी की बेटी हो, डोंट वरी, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मामा, देखते हैं वो आज आएगा या नहीं। डर के मारे काम छोड़कर नोएडा या गुड़गांव भाग गया होगा। उसे कहीं भी जाने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो तो यही है, ये तो 9:30 बजे आता है लेकिन ये 8:30 बजे ही आ गया। आज से उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। really important. मैंने सुना तुमने एक लड़की को मारा, अब तेरे सामने एक मर्द खड़ा है, मुझे मार के दिखा। नहीं नहीं, तू मुझे मार के दिखा। तुम किसको ढूंढ रहे हो?
मैं मर्द को ढूंढ रहा हूं। जोक मारता है तो फिर मैं कौन हूँ? मेरे हाथ देखे हैं तुमने? मेरी बॉडी देखी है तुमने? मैं बहुत ज्यादा खतरनाक कुत्ता हूँ। तुम सिर्फ मार सकते हो लेकिन मैं काट भी सकता हूँ। क्या मामा मर गया? क्या क्या मामा? क्या नेपाली फिर आ गया मुझे उठा रहे? नमस्ते सेंट्रल मिनिस्टर। नमस्ते। मेरे भाई के बारे में आप नहीं जानते। अगर वो किसी को पसंद नहीं करता, चाहे मैं ही क्यों न हूँ, उसे छोड़ता नहीं है। और आपने तो उसके साथ गलत डील की है। आपके भाई ने पार्टी के लिए पैसे खर्च किए थे, मेरे लिए नहीं। समझ गए? अगर आपको वो पैसे चाहिए तो आप जाकर पार्टी से ले सकते हैं। ये दिल्ली है, यहाँ थोड़ा संभाल कर रहिएगा। बोलो रावण। माई, पांच से फेंकी और बताइए मेरा टाइम कैसा है। तुम्हें जो करना है करो। तुम हार नहीं सकते रावण, बिल्कुल हार नहीं सकते। ठीक कहा माई। बाय दिया। मंत्री की बेटी को रावण के लोग उठा कर ले गए। यार क्या बोल रहा है? अभी मेरे सामने उठा कर ले गए। नहीं चलो, तू उस गाड़ी को फॉलो कर, मैं बाद में फोन करता हूँ। गांधी तेरी गाड़ी की चाबी दे। ये ले। तुमने भैया से कहा कि पैसे पार्टी से ले लो, इसीलिए मैंने तय किया कि पैसे तुम्हारी बेटी से ले लूंगा, तो मैंने उसे उठा लिया। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात तुझे बकवास लग रही है? बस थोड़ी देर में तू सब समझ जाएगा। तुम किसके साथ डील कर रहे हो पता है? तू सेंट्रल मिनिस्टर है ना, तो जाओ कुतुब मीनार पर चढ़कर चिल्लाओ, पूरे इंडिया को सुनने दो। इलेक्शन के लिए हमने 600 करोड़ का ब्लैक मनी तमिलनाडु ट्रांसफर किया था, उसमें से 60 करोड़ के कमीशन के पैसे बिना धोखा दिए दे रहे हैं, इसलिए रावण ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, ये कहकर कंप्लेन लिखवाओ। तब सीबीआई वाले मुझे अरेस्ट करेंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे, लेकिन तुझे मिलिट्री वाले उड़ा देंगे। सुना आपकी बेटी को रावण के लोगों ने किडनैप किया सर? राम मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। ये सब पॉलिटिकल प्रेशर है, थोड़ी ही देर में सब ठीक हो जाएगा। आपको जो कहना है कहते रहिए, मैं थोड़ी देर में आपकी बेटी के साथ घर आ रहा हूँ। हे राम, मैं गांव में हूँ सर। आप तुरंत घर जाइए, ऊपर के कमरे का लॉकर खोलिए। सत्या दुकान है, पटेल नगर क्रॉस कर रहा हूँ सर। फाइल मिल गई सर, उसे लेकर आप तुरंत तिरुनल वैली जाइए। वो सेक्टर नंबर 3 में है राम। यस, तो अपनी लोकेशन सेंड कर। 340 एकड़ मेरी खानदानी जमीन है और उसके कागजात 1 घंटे के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे। पार्टी से पैसे दिलवाने के बाद तुमसे ये कागजात ले लूंगा। आने दो, देखते हैं। छोड़ो मुझे। रवि, ऑन द वे, कमिंग। ओके राम, प्रॉब्लम हुई तो फोन करूंगा, पुलिस को लेके आ जाऊंगा। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों पकड़ा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है? ज्यादा चिल्लाइए मत।
पहुंचने वाला हूं सर। आप वापस गांव चले जाइए। ये कागजात कहाँ रखूं सर? जहां से कागजात निकाले थे उसे वापस वहीं रख दीजिए। उसने बता ही दिया कि वो मंत्री है। उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाई, बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी भी नहीं आए। मेरे आदमियों को दिल्ली में मारने वाला अगर कोई है तो कौन है वो? कौन हो रही है और अचानक घर में क्यों घुसे आ रहे हैं? अरे अरे रुको, क्या चाहिए आप लोगों को? दिल्ली में जो बाहर के लोग रहते हैं उन्हें अलग जगह चाहिए। हमें मंत्री जी को एप्लीकेशन देनी है। दिल्ली में जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए अलग जगह क्यों चाहिए? तो दिल्ली में आते क्यों हो? हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाएंगे। पहले तुम अपने आप को बढ़ाओ, फिर अपनी भाषा को बढ़ाओ। मैं आप लोगों से चार सवाल पूछूंगा, उसका ठीक ठीक से जवाब देना, फिर मैं सबको अंदर भेजूंगा। ये बताइए कि सवाल आप पूछेंगे या हम पूछें? इसे सिर्फ पूछना आता है। तुम्हारी भाषा में सोप का मतलब बताओ। सोप, सोप, बबल्स, बबल्स, सोप। शरीर घिसने की चीज। कॉफी को क्या कहते हैं? ठंडा ठंडा करना। पिंग पिंग पिंग। अरे बीज का पानी उसे रश भी कह सकते हैं। तुझे कैसे पता? मैंने रामायण, महाभारत, गीता, वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में सारी की सारी किताबें पढ़ी है। तुम नहीं समझोगे, ऐसा मोर्चा लेके आने से तुम्हारी भाषा नहीं आगे बढ़ने वाली। पहले खुद अपनी भाषा बोलना सीखो, उसके बाद अपने बच्चों को सिखाओ। चलो जाओ। ए नेपाली, ये सब तुम कैसे जानते हो? फिल्म इंडस्ट्री के नामी राइटर के घर पर मैंने 10 साल वॉचमैन की नौकरी की थी। ये वॉचमैन बहुत ही बड़ा विद्वान है। क्या ये सच में विद्वान है? ये उस राइटर के घर वॉचमैन का काम करते करते वो भाषा भी सीख गया। मुझे बता ये कैसे हो गया रे? एक बात बताओ नेपाली, तुम पिछले 8 सालों से इस घर में काम कर रहे हो और इन 8 सालों में तुम क्यों सिर्फ क्या क्या कहते रहते थे? इस भाषा के बारे में बताता तो ये लोग मुझे घर का काम करने को बोलते, बाजार जाने के लिए बोलते, कार साफ करने के लिए बोलते, और क्या। अच्छा तो ये था तुम्हारा महामंत्र? इसका मतलब कुछ भी हो जाए तुम वो भाषा नहीं बोलोगे? तुम अच्छी तरह नेपाली बोलते हो ना? अब मुझे नेपाली में बता कि तुम्हारे यहाँ शेर भाकरी क्यों खाते हैं? अबे रुक, अबे रुक, बता बता रुक। Main agenda is that we have to... सर, मैं जिस केस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो ये केस आप से मुझे बाहर जाना है। कोई ड्राइवर नहीं है, आप गाड़ी चलाइए। मैं किसी ड्राइवर की अरेंजमेंट करता हूँ। आप गाड़ी चलाएंगे या नहीं? जाना कहाँ है? आगरा जाना है, ताजमहल देखने। चलिए घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। देखिए आपके घर वाले पूछेंगे तो बता दीजिए कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता, इसीलिए वो नाराज होकर ताजमहल से लापता हो गई है। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सब जानते हुए भी आप मुझे अवॉइड कर रहे हो, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं ना? आप जो भी सोच रही हैं फिजूल की बातें हैं। जब कोई खतरे में होता है तो उसकी मदद कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरे कपड़े फटे हुए थे और तुमने मुझे नए कपड़े दिलाए, फिर मेरे पुराने कपड़े सिलाई करके वॉश करके मुझे वापस दिए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई अट्रैक्शन या इन्फैक्चुएशन नहीं है, ये कैरन अफेक्शन से हुआ है। ए राम, रिजल्ट आ गया है, अपना पूरा गैंग पास हो गया है। अगले हफ्ते हम सबको तैयार होकर ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना है। मैं बाद में फोन करता हूँ, चलिए घर चलते हैं। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं प्यार नहीं कर सकता।
आप शायद एक कॉफी 300 रुपए की पीती होंगी, ये आपका लाइफस्टाइल है, लेकिन एक कॉफी को तीन लोगों में शेयर करना, ये मेरा लाइफस्टाइल है। हम दोनों की जिंदगियां बहुत अलग हैं। मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में एक छोटा सा ऑफिसर हूं, इसलिए एक सलाह देता हूं, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी पर फोकस करना है और आपको भी करना चाहिए। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। हम दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं। कहाँ गई थी? शॉपिंग। ड्राइवर को नहीं ले गई? तभी ड्राइवर नहीं था। क्या हुआ, रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ। तुम यहाँ बैठकर रो रही हो? उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है, इसलिए वो रिजाइन करके जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना दिया? माँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। माँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया माँ। उसने तुमसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकते हैं माँ। तुमने क्या फैसला किया है? मैं उन्हें भूल नहीं सकती हूँ माँ। मैं उन्हें नहीं भूल सकती हूँ माँ। रो मत बेटी, मैं हूँ ना, मैं हूँ। 6 महीनों की ट्रेनिंग है। IAS पढ़ने वाले मसूरी में कंटिन्यू करेंगे, IFS पढ़ने वाले देहरादून जाएंगे और IPS पढ़ने वाले को हैदराबाद जाना होगा। यहाँ राम सामी कौन है रे? ए! रामसामी, रामसामी, ए, तू ही रामसामी है ना? क्यों भाई रामसामी? एक लड़की के साथ अच्छा बिहेव करके उसका मन जीत लिया ना तुमने? फिर जब वो तुम्हें प्यार करने लगी तो तुम कोई बहाना बनाकर आराम से भागना चाहते हो? मेरी बात सुनो, उसके पास 450 करोड़ है और वो सब तुम्हारा हो जाएगा। इज्जत से ये ऑफर एक्सेप्ट करो और मेरी दीदी की बेटी से शादी करके घर जाने की सोचो, नहीं तो तेरी लाश यहाँ से घर जाएगी। तू मिनिस्टर के साले पर हाथ उठाएगा? आ चल देखते हैं। दाल चावल खाने वाले तुम्हें इतनी गर्मी है? तो मैं चिकन मटन खाता हूँ, मुझे कितना गुस्सा आता होगा। मैं मारना शुरू करूँ तो पूरी दुनिया कांपने लगती है। इस जन्म में तू मंत्री नहीं बन सकता है, कम से कम मंत्री का दामाद तो बन सकता है तू। तू उससे शादी कर ले, उससे शादी कर ले तू। ए, यू टर्न मार, तुरंत फोन कर और मेरी दीदी को आई लव यू बोल। अरे मेरा मतलब मेरी दीदी की बेटी को आई लव यू बोल। अरे यू टर्न मारना यार। मेरी दीदी की बेटी रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी दीदी भी उसके साथ रो रही थी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्यार के लिए बनाए हुए ताजमहल के सामने ही प्यार को ना करने वाले प्यार के दुश्मन हो तुम। अरे तुम्हें पता है, फाइनेंस मिनिस्टर पंकज मेहता के बेटे हर्षद मेहता के साथ मेरी दीदी की बेटी की शादी करवाएंगे और उन दोनों की शादी के मंडप में तुम्हें पंडित बनाकर मंत्र बुलवाएंगे, फेरे पढ़वाएंगे और उनकी शादी भी करवाएंगे। भैया डीजल खत्म हो रहा है। अबे चुप कर, नहीं तो मार डालूंगा। मैं तुम्हें दिल से श्राप देता हूँ, तुम जिंदगी में कलेक्टर कभी नहीं बन पाओगे और ये सच है, मेरी बात सच होके रहेगी, समझे? दीदी कुछ क्या बात है नालायक लोगों, एक्सीडेंट हुए आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय तुम सब लोग अपने अपने फोन से सेल्फी लेकर मेरा मजाक बना रहे हो। सेल्फी चाहिए? भाई ये लोग केके कंपनी से आए हैं, 450 करोड़ की इंडियन करेंसी को दिल्ली से कलकत्ता ट्रांसफर करना चाहते हैं। कब? हमें कल ही कर देना चाहिए। कैसे हो सकता है ये, वो भी दिल्ली से? पुलिस को संभालना है, चेक पोस्ट क्लियर करना है, मिलिट्री पैरामिलिट्री एसटीएफ कमांडो, ऐसे हजारों लोग होंगे। दिल्ली सिटी इनसाइड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम यूपी बॉर्डर नोएडा में आपको पैसे दे देते हैं, वहां से आपको कोई खतरा नहीं होगा। ओके, मैं दिल्ली पहुंच गया हूं, ठीक 10 बजे फैक्ट्री से गाड़ी भिजवा देना। भाई वो लोग निकल चुके हैं। भाई हम लोग इसी बस में अमाउंट लोड करने वाले हैं। राम आर यू ठीक हो? बाप रे, गाड़ी से बाहर निकल। क्या है? क्यों भाई, गाड़ी में ब्रेक नहीं है? अरे तुम क्यों सडन ब्रेक डाला? अबे ओए सिग्नल देख, रेड है।
इंडिकेटर और टेल लाइट सब टूट गया, कम से कम 6000 का खर्चा है। गाड़ी में बहुत काम है, 6000 दे। मेरा पास पैसे नहीं रहे। इस गाड़ी में हमारे लोग कलकत्ता तक टूरिस्ट बनकर ट्रैवल करेंगे। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तो इसे समझा देना क्या करना है। सुबह 9 बजे पैसे नहीं मिले तो गाड़ी जमा करा देंगे। भाई कोई गाड़ी लेकर भाग गया। गाड़ी यहीं छोड़ सकते हैं ना? हाँ, कल सुबह 8:30 बजे आ जाना। ठीक है, पैसे मिलते लौटा देंगे। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी किधर है तो आपको पता नहीं है सर? जाके आजू बाजू पूछो। चलो चलो जल्दी चलो 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 इधर। तुमने देखी गाड़ी? देखी क्या? तुमने देखी गाड़ी? नहीं नहीं। 1000 रुपीस पूछा सर। बोल क्या हुआ? लगता है वो वैन उठाकर हमने गलती कर दी राम। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये शायद मंत्री विश्वनाथ की चाल है। उसकी चाल नहीं है, उसे तो मालूम ही नहीं है कि गाड़ी में पैसे हैं। किसी और की चाल है। ड्राइवर ने पैसे दे दिए होते तो चुपचाप चला जाता। क्या हो गया? खुद ही देख लो। वो पैसे लेने वापस आएगा। ज्यादा लफड़ा मत करना नहीं तो शक हो जाएगा। चलो चलते हैं। सारे बॉक्सेज हैं। ओपन करो। इसमें तो सब 2000 की गड्डियां हैं, इसलिए वो लोग इतना टेंशन में आ रहे थे। ये लीगल पैसे तो नहीं हो सकते। हम इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। नहीं, ये पैसे गवर्नमेंट को ही मिलने चाहिए। ऐसे में एक ही चीज हो सकती है। ये उधर देखो, काम आ गया। ये क्या राम, तुमने वैन को प्रेसिडेंट के घर के सामने पार्क कर दिया? मैं इस बारे में प्रेसिडेंट को मेल कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? अगर ये पैसे सही सलामत गवर्नमेंट तक पहुँचाने हैं तो एक ही रास्ता है और वो है मिस्टर प्रेसिडेंट। वो रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? मेल भेजने दे, देखते हैं 5 मिनट बाद क्या होता है। अरे ये क्या, सभी डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं। इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट टीम, पुलिस है, विजिलेंस है, मिलिट्री, एसटीएफ, सभी यहाँ आ गए। सही है भाई, डिपार्टमेंट के सारे लोग आ चुके हैं। यही है प्रेसिडेंट की पावर। अरे मीडिया भी आ गई। Nearly 500 crores, all consisting of 2,000 rupees currencies, was left in front of the president's house. KK कंपनी की गाड़ी है भाई। Damn it! क्यों किया उसने ऐसा? कौन है वो? प्रेसिडेंट का रिप्लाई आया है। गुड सिटीजन, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। रावण, तुम तुरंत दिल्ली से यहाँ आ जाओ। ये सब छोड़कर नहीं आ सकता। उन पैसों के जिम्मेदार तुम नहीं थे तो वहाँ क्यों रुके हो? अब बात प्रेसिडेंट तक चली गई है, अब तुम्हारा वहां रुकना ठीक नहीं है। जल्दी से आ जाओ। रुक जाओ! इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलना नहीं चाहता है। ए? वो रामसामी आईएएस पढ़ने के लिए मसूरी जा रहा है, तो तुम उससे टाटा करने के लिए जा रही हो, है ना? तुम मेरे रास्ते से हटते हो कि नहीं? दम है तो गाड़ी मुझ पर चढ़ा के जाना होगा। बाप रे, ये लड़की मतलब के लिए किसी का खून भी कर सकती है। क्या लगता है नेपाली स्वर्ग सिधार गया। अरे बेटा, तेरे बिना रहने की आदत नहीं है मुझे, और तू कह रहा है 1 साल? 1 साल हो या 2 साल हो, सब खत्म करके कलेक्टर बन के ही आना। मैंने सुना है कि आप मसूरी जा रहे हैं, इसीलिए आपको ऑल द बेस्ट बोलने आई हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। क्या राम, लेट हो गए तुम? क्या करता, ट्रैफिक थी। राम उधर देख।
आज उनका बर्थडे है माँ। हाँ तो मैं बस एक बार उनसे मिलकर आ जाऊँ। मजाक कर रही हो? मामा प्लीज माँ, मसूरी के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस है माँ। 45 मिनट्स में जाकर 45 मिनट्स में वापस आ जाऊंगी। क्रेडिट कार्ड से 1,25,000 पे कर दिए मैंने माँ। हाँ प्लीज माँ। ठीक है जाओ, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इसके बाद अगर तुम उसके बारे में सोच कर घर में उदास बैठी रहोगी तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, समझी तुम? ये सारे मिल श्रवण, ठीक है? हाँ मैडम। मेरी बेटी अपनी फ्रेंड से मिलने हेलीकॉप्टर से मसूरी जा रही है। ओके। प्रोसीजर क्या है देखिए और उसके अरेंजमेंट कीजिए। ओके, और कुमार तुम भी इनके साथ जाओ। मैडम मिनिस्टर सर के साथ बात कर रहे ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए। ओके मैडम। गुड, वेरी गुड। तुम्हारे बेटी से शादी नहीं करना चाहता इसलिए दूर चला गया, और तुम हो के उसे टूर पर भेज रही हो। टूर पर चल जा, कुछ भी बोलता है। अच्छा, यूनिटी इज द नीड ऑफ द आवर। वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस 70 इयर्स बैक बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी। Ram, is it your birthday today? Yes, sir. All of you, say your wishes. Happy birthday, Ram. Thank you. Yes. Our change and the political system has divided us into state-wise and status-wise. एक साल बाद कहूं तो चलेगा? मैं समझी नहीं। एक साल बाद आई लव यू कह दूं तो चलेगा? हाँ। अभी भी कह सकता हूं, लेकिन ट्रेनिंग है। क्यों भाई श्रीनिवास, तुम ये नया बोर्ड क्यों लगा रहे हो? मेरा पोता आज आ रहा है, वो कलेक्टर बन गया है। हमारे ट्रेन को लेकर आ रहे दादी, ये क्या किया तुमने? तुम पुलिस यूनिफॉर्म में क्यों आ रहे हो? तुम तो कलेक्टर बनने गए थे ना? आईएएस के लिए नहीं, आईपीएस अप्लाई किया था। लेकिन ये बात हमसे क्यों छुपाई? मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। हमारे सिर पर बिजली गिरा दी है तुमने, मेरे दिल को तुमने दुख पहुंचाया है। किससे पूछकर पुलिस में भर्ती हुए? मसूरी में ट्रेनिंग खत्म करके फाइनल इंटरव्यू अटेंड करने गया था। मिस्टर रामस्वामी, कम इनसाइड। Are you Mr. Ramaswamy? Yes. Your father's name Arusami? Yes. You are selected in the first category. You are eligible to choose.
IFS, IAS, IRS and IPS too. IPS, IPS. What is your choice? IPS. उस वक्त मुझे लगा कि मेरे लिए पुलिस फोर्स ही सही है। कसम से मैं नहीं जानता था कि आप लोगों को इतना दुख होगा। मुझे पोस्टिंग भी मिली है। कल ही मुझे तिरुना वैली जाना है। हाँ? क्या कहा? तिरुनेल वैली जाना है? मेरी पोस्टिंग वही हुई है दादाजी। तुमने तिरुनेल वैली के लिए पोस्टिंग क्यों मांगी? मैंने नहीं मांगी दादू, उन लोगों ने ही मुझे दी। हे भगवान, तुम्हारी ये खाकी वर्दी भी नहीं चाहिए और ये तिरुनेल वैली भी नहीं चाहिए। तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे असली माँ बाप ये है आरुसामी आईपीएस। ट्रांसफर लेकर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ के साथ ट्रिब्यूनल वैली आ रहे थे। सामी के घर में ताला लगा हुआ है, पता नहीं वो कहाँ गया। हेलो सामी है? हेलो सामी है? कौन था फोन पर? पता नहीं कौन था, तुम सो जाओ। ठीक है। सामी कार में जा रहा है। तुम्हारे पिताजी के साथ काम करने वाले ऑफिसर ने तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया। आप किस रूट से जा रहे हैं सर? मैं बाईपास रोड लेके हाईवे की तरफ जा रहा हूँ। ये लोग कौन हैं? तुम्हारे पिताजी ने उनका बहुत मुकाबला किया। तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी तुम उसके पेट में जिंदा थे। हमें डर था कि तुम्हारे जिंदा रहने की खबर मिलते ही वो तुम्हें मार डालेंगे, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर फिर हम लोग दिल्ली आ गए। हमारे पूरे परिवार के लोगों को रावण ने ट्रक से टक्कर मारकर खत्म कर दिया। जहां ऐसा हैवान रहता है वहां तुम जाना चाहते हो? बोलो, तुम वहां जाना चाहते हो? मैं जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। रामसामी, आरुसामी। तुमने खाकी वर्दी पहनी मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारी पोस्टिंग तिरुनेल वैली में हुई, ये कैसा संयोग है? ऐसा लगता है उस जगह का देवता तुम्हें वापस बुला रहा है। रामायण में 14 साल का वनवास था, महाभारत में 13 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। दोनों को मिलाकर कुल 28 वर्ष होते हैं और इतने साल हम लोग अज्ञातवास में रह चुके हैं। रामसामी तुम्हारा नाम है और आरुसामी तुम्हारी पहचान। किसी भी कारण से अपनी पहचान को मत भूलना। तुम्हारे पिताजी किस जाति के थे मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी परवरिश अपनी जाति में की। अब तुम्हें इस पहचान की जरूरत नहीं है। बोलो रावण। माई, यहां सब गड़बड़ हो रहा है। हमारा ट्रक ही हमारी गाड़ी को टक्कर मार रहा है। तुम्हारे खिलाफ लड़ने एक नया दुश्मन आ रहा है। खतरा काफी हो सकता है,
लेकिन वो टल जाएगा। वेलकम सर। इस शहर में रावण नाम का एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है। उसके गैंग में ऐसा कौन सा आदमी है जो अक्सर हंगामा करने के बाद भी अरेस्ट नहीं होता? टाउन पांड्या नाम का एक आदमी है सर। लेट्स गो एंड अरेस्ट हिम। ओके सर। सर ये तो अभी अभी आए हैं और रावण के गैंग से पंगा ले रहे हैं ये। हैप्पी बर्थडे भाई। कौन है वो एसीपी? उसकी इतनी हिम्मत के अंदर चलाया? कौन है वो पुलिस वाला जिसने 450 करोड़ का चूना लगाया? उसका फोटो मिल गया भाई, ये भेजिए। फोटो डाउनलोड हो रहा है भाई। फोटो क्या देखता है बे? मैं खुद यहां आ गया हूं। देख ले जी भर के। मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। अरुस्वामी का बेटा रामस्वामी, सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि 28 साल बाद इतिहास दोहराएगा। तेरा बाप बुरा आदमी था, इसलिए मेरे पिताजी ने उसे मारा। लेकिन तूने मेरे पिताजी को क्यों मारा? मेरी माँ की इसमें क्या गलती थी कि तूने बेरहमी से उन्हें भी मार दिया? बेचारा मेरे पिताजी की तारीफ करने आया है। उस क्लोज किए हुए केस को फिर से ओपन करके तुझे और तेरे दोनों भाइयों को हथकड़ी पहना के चड्डी में पैदल चलाकर जेल ले जाने और वहां चक्की पिसवाने आया हूं मैं। रावण हूं मैं, तेरी मौत हूँ मैं। 10 दिनों का दिमाग है मुझमें, समझ गया? अगर तू रावण है तो मैं राम हूँ, और याद है ना, रावण का वध भी राम ने ही किया था। मेरी माँ की मौत के आधे घंटे बाद मैंने उसकी कोख से जन्म लिया है, उसकी एक वजह है, क्योंकि तेरा वध मैं ही करूंगा। अरे पुलिस! मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं गुंडा हूँ। गन लेकर कहाँ जा रहे हो? रावण बताइए, तुम गन लेकर कहाँ जा रहे हो? हमारे इशारा पाते ही 1000 लोग उसे मारने के लिए आ जाएंगे। सांप जब भी दिखे उसे वहीं कुचल दो। 6 महीने बाद इलेक्शन आने वाला है, मुझे सीएम के कैंडिडेट के लिए अनाउंस करने वाले हैं, तब तक कोई गलत काम नहीं करना है। अपने गुस्से पर काबू करो रावण। जाओ सब लोग, जुलूस निकालो।
कौन है उधर? आरू साहब आप हैं? नहीं नहीं नहीं, आप उनके बेटे हैं क्या साहब? इतने दिनों तक कहाँ थे आप? आप कौन है? मैं आपके पिताजी का नौकर था बेटा, मुझे पता था कभी ना कभी आप लोगों में से कोई ना कोई तो यहाँ आएगा, सोचकर रोज सफाई करता हूँ बेटा। ए, ए, तू यहाँ पर क्यों आ रहा है? जाओ जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं गुनहगार की तरह क्यों जीऊँ? वहाँ जाइए, इसने मेरे साहब को धोखा दिया था। निकल यहाँ से। क्या मैं सच्चाई नहीं बता सकता? सच्चाई क्या है बेटा? मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। बताया उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारे पिताजी किस रास्ते से आ रहे थे उसने मुझसे पूछने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। उन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला और मुझे धमकी दी कि अगर मैं फोन नहीं करूंगा तो वो मेरे बेटे को भी मार डालेंगे। सर, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। मुझे सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई नहीं दे रही है सर। वो आवाज शब्द हमारा कोड वर्ड है। मैं चाहता था कि तुम्हारे पिताजी समझ जाए कि खतरा है, इसलिए मैंने दो दो बार कहा कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए। आप मेरी एक मदद कर देंगे? बोलो बेटा, मुझे क्या करना होगा? पिताजी के साथ काम करने वाले जितने भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर बाबू। सर। हेड कांस्टेबल धनराज। यस सर। इंस्पेक्टर मनोहर। यस सर। इंस्पेक्टर कुमार स्वामी। सर। 28 साल पहले रावण और उसके भाइयों ने मेरी माँ और पिताजी को मारा, और ये बात अब सभी जानते हैं। मैंने ये पेंडिंग केस फाइल की कॉपी त्रिवेणी नगर पुलिस स्टेशन से मंगवाई है। All fabricated evidence. मैं इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। अभी के पुलिस ऑफिसर्स इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो 2 हफ्तों में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट मिल सकता है। तुम्हारे पिताजी के केस में हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, इस बात का हमें दुख है बेटा। आप हमसे मदद नहीं मांग रहे, ये तो हमारा फर्ज है। हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं सर। अपने अपने दिल पर हाथ रखे और वर्दी की इज्जत करते हुए मुझे सच सच बताइए, रावण क्या क्या काले धंधे करता है? कुछ दिनों पहले मैंने उसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए देखा था। वो कोई बड़ा कांड कर रहा है। अभी तक वो कहां कहां और कौन से स्टेट में गया, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। और ये बताओ कि अभी फिलहाल यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बिना किसी की परमिशन लिए रावण ने बीच सड़क में अपने बाप का पुतला बनवाया है। उस पुतले को हटाने के लिए बहुत लोगों ने कम्प्लेन किया सर, लेकिन कॉर्पोरेशन ने कोई ध्यान नहीं। और तो और सर, उस पुतले के सामने कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, 40 लोग स्पॉट पर ही मर चुके हैं सर। अगर हम उस पुतले को वहाँ से हटाते हैं तो रावण के लोग शहर में बहुत बड़े दंगे करवा सकते हैं। सर, पिछले 28 सालों से एक नालायक आदमी हमारे शहर को अपने कंट्रोल में रख रहा है। उस कमीने का नाम है रावण पिचई। उस हरामखोर ने हमारे डिपार्टमेंट के कई पुलिस ऑफिसर्स को उसके हाथ के नीचे की कठपुतली बना लिया है। उन लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, उसके बाद अपना ट्रांसफर ऑर्डर खुद मांग कर यहाँ से चले जाएं। जो भी इस पे यकीन करते हो कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के हाथ काट देने चाहिए, सिर्फ वही मेरे पीछे आए। What's happening? JCB, Brooklyn, Breaker, सब आ चुके हैं सर। कलेक्टर को फोन लगाओ। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और आप लोग किससे पूछकर ये पुतला तोड़ रहे हैं? इसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। पुतला हटाने का ऑर्डर दिखाइए मुझे। आई से शो मी द ऑर्डर्स। आप इसके यहाँ रहने का ऑर्डर मुझे दिखाइए, मैं आपको हटाने का ऑर्डर दिखा दूंगा। तुम इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? आई एम एन आईएएस ऑफिसर, अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यू आर आफ्टर ऑल आईपीएस ऑफिसर ओनली। आई नो यू आर एन आईएएस,
with a bachelor's degree. You know who I am? I have an M.A. in sociology and M.Phil and Ph.D. in political science. I not only passed in civil service examination, I have a goddamn gold medal. And I was eligible for the IRS, IPS, IFS and your IAS. मुझ में काबिलियत थी बट आई प्रेफर्ड ओनली आईपीएस। तुम्हारे हाथ में पेन है, उससे काम करो। मेरे हाथ में गन है, मैं उससे काम करूंगा। चल निकल यहां से। ए, आईएएस का दिमाग, आईपीएस का जिगर। बोलो उसकी गुंडा। ए एसीपी, अगर तुमने पुतला हटाया तो मैं यहीं पर फांसी लगा लूंगा। ये सब रोको, किसी ने भी रावण की बातों में आकर यहाँ हंगामा किया ना, तो मैं रस्सी में नहीं सीधे भेजे में गोली मारूंगा। मारो सबको। क्या हो रहा है ये? उस दिन तुम्हें रोककर मैंने गलती की। उसे छोड़ना मत। पूरे तिरुनेलवेली में तहलका मचा दो। पिताजी का पुतला हट गया तो इस शहर में एक भी आदमी चैन से नहीं रहेगा। त्यागी मंत्र मूर्ति का पुतला तोड़ दो। पूरा शहर जात पात की दुश्मनी से जलकर राख हो जाना चाहिए। सर, रात को 1 बजे के बाद आकर किसी ने पुतला तोड़ा, लेकिन किसने तोड़ा ये पता नहीं चल रहा है सर। ऐसा लगता है कोई जात पात की लड़ाई का प्लान कर रहा है सर। सर, पुतला तोड़ते वक्त ये वीडियो लिया गया था, व्हाट्सएप पर वायरल हो चुका है। ये सब रावण के भेजे हुए गुंडों का काम है। सर, ये लोग किस त्यागी के जात वाले हैं सर? सभी शांत हो जाइए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुनिए, हमने वहाँ पर एक गुंडे का पुतला तोड़ा, उन लोगों ने त्यागी जी के पुतले के साथ छेड़खानी की। आप लोग 2 दिन में इसी जगह नया पुतला खड़ा करने के काम में लग जाइए, और मैं और मेरी टीम 2 घंटों में उन कमीनों को मार मार कर हॉस्पिटल में भर्ती करने के काम पर लग जाते हैं। 2 घंटे मैंने चाहिए किया तो जो जी मैं कर लेना, हम वहीं खड़े होकर देखेंगे। आपका भरोसा करके हम लोग जा रहे हैं सर। ठीक है, सर, रावण के गांव आप मत जाइए सर। बहुत खतरनाक जगह है सर। गांव के बाहर एक मंदिर है जहां बड़े बड़े कांड होते हैं सर। वहां के लोग पुलिस को मंदिर में जाने भी नहीं देते। 2 साल पहले एक SI और 2 कांस्टेबल्स को मंदिर के अंदर मार दिया गया था सर। हाँ सर, वो कभी ना कभी तो शहर आएगा ना सर। 2 घंटे का वक्त दिया है। सुन, जिस नंबर से वीडियो आया था उसे हमने ट्रेस किया है सर। सर, लगता है आपको वहाँ पर बुलाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं सब संभाल लूंगा सर। हटो। वो हमारे गांव में अकेला आ रहा है। अगर वो गलती से भी हमारे इलाके में आया तो उसे काट के रख देंगे।
क्यों सर, पुलिस वाले हमारे गांव में आने से डरते हैं और आप तो जीप लेकर आ गए? हाँ, हमारे गांव वालों ने बताया होगा कि उस पुतले को हमने तोड़ा था, उसकी बात मांग करके आ गए। मंदिर के अंदर गन लेकर नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर गए तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो क्या मैं कोयता लेके जा सकता हूँ? देखिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए। हथियार अंदर फेंक दो, जाओ। ठीक है भाई। पुलिस पे हाथ उठाते हो? इतनी गाड़ियां, बसें, ऑटो और दुकानें, इतना नुकसान सिर्फ एक पुतले के लिए? लेकिन अब वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होगा सर। वी आर ऑल आईपीएस ऑफिसर्स, ठीक है? यस सर। दिया, क्या कर रही हो? पिताजी को शादी के इनविटेशन आए हैं, उसमें से तिरुनेलवेली के अलग कर रही हूँ। क्यों? मुझे किसी काम से तिरुनेलवेली जाना है, तो कोई रीजन चाहिए ना। पर क्यों जाना है? एक हफ्ते से उन्हें कॉल कर रही हूँ माँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। पिताजी से कह दूंगी मैं कि ये लड़कियाँ मेरी फ्रेंड्स हैं, इसीलिए जाना है। क्या कह रही हो? तुम्हारे पापा को पता चला तो? कैसे पता चलेगा? मैं कह दूंगी मेरे फ्रेंड की बहन की शादी है, मैं तुरंत जाके ही तुरंत वापस आऊंगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं अपने पति से झूठ बोलूं? तो मैं अपने पति से नहीं मिलूं क्या? ठीक है, एक काम करो, दो दिन बाद तुम्हारे पापा मलेशिया जा रहे हैं, उनके आने से पहले जाकर आओ। मामा, ए मामा। क्या हुआ? मैं तिरुनेलवेली जा रही हूँ, तुम ही साथ चलो। तुम तिरुनेलवेली जाओ या तिहार जेल जाओ, मैं नहीं आऊँगा। तुम आराम से फ्लाइट में चली जाओगी और ये लोग मुझे जनरल डब्बे में बिना टिकट के भेज देंगे। तुम भी तो रहोगे ना फ्लाइट में मेरे साथ? फ्लाइट में? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, फिर मैं कैसे आऊँगा फ्लाइट में? अरे पागल, तिरुनेलवेली के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? पागल हो गए? ये जो तोते की शक्ल का आदमी है ना, इसी ने कहा पासपोर्ट नहीं है तो एयरपोर्ट नहीं जा सकते। श्रवण, व्हाट इज दिस? मैडम, actually we are not providing flight tickets for this category of people madam, that's why teri to kisi bhi tarah pahunche agar tum tie pehen kar piye ki haisiyat se mere jija ji ke sath flight mein jaoge, main uska sala hu, main nahi ja sakta kya? wo basic teri to tote ki shakal ke tujhe mirchi khila khila ke marunga main। are kya ho, mirchi khila de kuch nahi kya? jai hind। kya ho gaya, aap mujhe market kyu lekar aaye? aap se sabhi milna chahte hain, और एक बात, ये जगह बहुत खास है, आइए बैठिए। बैठो बेटा,
यहीं बैठकर तुम्हारे पिताजी इडली खाते थे। अच्छा प्रकाश, इनके लिए एक प्लेट इडली लेकर आओ। सांभर चटनी नहीं चाहिए। सांभर के बगैर कैसे खाऊंगा? अभी बताता हूँ बेटा। ये देखो, आपके पिताजी बियर के साथ इडली खाते थे। अच्छा, वो आरू सामी थे, मैं राम सामी हूँ। छाछ लेकर आइए। सुनो, छाछ दो। बेटे, तुम इडली में छाछ डालकर खा रहे हो, तुम्हारी जाति क्या है? अरे ताओ, आज के जमाने में भी ये लोग जात पात की बातें करते? यहाँ कोई बदला नहीं क्या? ए बड़ो, बीच सड़क में नचनिया की तरह नाच रहा था, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता। जाकर पूछो बात क्या है। तेरह लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके रिमांड में ले गए हैं सर। आपने फोन क्यों कट किया? वो एक्चुअली आप फोन क्यों कट कर रहे हो? खाकी वर्दी और मंत्री के सफेद कपड़ों का मेल नहीं हो सकता। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम्हारे पिताजी मिले। सर, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। मगर इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो। बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन बनने पर मजबूर मत करना। तो कौन सा बाप तुम्हें ऐसा कहेगा कि अच्छा बेटा, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, एक काम करो, उसे तुम भगा के लेकर जाओ। मेरे पिताजी बहुत डिसेंट आदमी है, इसीलिए उन्होंने इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे कुछ नहीं कहा। चलो उतरो। लेकिन क्यों? उतरो, बताता हूँ। यहाँ से एयरपोर्ट 1 किलोमीटर है, अपने घर चली जाओ। हे राम, राम, हे राम सामी, UIPS, हे पुलिस वाले, ऐसे किसी लड़की को कोई छोड़कर जाता है क्या? चार लड़के मेरे पीछे पड़े हुए, लेकिन मैं तुम्हीं से प्यार करती हूँ और तुमसे ही करती रहूंगी। या आते समय तुम दोनों साथ आए, तो अब तुम अकेली क्यों खड़ी हो? वो आदमी बिल्कुल भी पागल है मामा, फालतू की बातें करके मुझे यही छोड़कर वो चला गया मामा। पागल है, लेकिन तुमसे मिलते समय तो वो ठीक था। पहले तो वो ठीक था, लेकिन अब वो तुम्हारी तरह पागल हो गया। जो भी पागल बोल रही है, वो सब जाने दो, तुम पहले आकर गाड़ी में बैठो। मैं नहीं आऊंगी मामा। मैंने कहा ना, चलो। नहीं आऊंगी, बोला ना मैंने। नहीं आएगा, नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है, मैं यहीं पे रुकूंगी। नहीं मामा छोड़ो, गाड़ी में आकर बैठो। अभी तो गाड़ी में बैठोगी या नहीं? क्या? हेलो हेलो, तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? प्यार करूं या जबरदस्ती करूं, तू पूछने वाला कौन है बे? अकेली लड़की के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, कौन हो तुम? मामा हूँ उसका। तू मुझे मामा कह रहा है? तूने मंत्री के साले को थप्पड़ मारा, तूने पुलिस को मारा। एक तो शक्ल से तू दूध वाला दिखता है। देखने की क्या जरूरत है? हेलो ब्लू क्रॉस, इधर सड़क पर एक पागल आदमी पड़ा हुआ है, आकर के उसे ले जाइए। बड़ा पागल हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे मामा यहाँ थे, आपने उन्हें देखा है? अरे मैं ही तुम्हारा मामा हूँ। ये क्या हुआ मामा, तुम्हें इतना पीट कर कौन चला गया मामा? मुझे खून भी बह रहा है, कुर्ता भी फाड़ दिया। उस गेंडे ने मारा तब भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन दर्द इस बात का है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी चला के वेलकम सर, नाइस टू मीट यू। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो, गुजरात में कहां से आए हो? सूरत से आ रहे हैं। पैसा किसका है? इसमें स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का पैसा लगा हुआ है सर। डिटेल्स बताओ। कतर में 13,000 करोड़ की फैक्ट्री डाल रहे हैं, जिसमें से 6,500 करोड़ व्हाइट है और 6,500 करोड़ ब्लैक है। ब्लैक अमाउंट को US डॉलर में कन्वर्ट करके गुजरात के रास्ते राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में देना है। कितने दिनों में? अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करने में 1 महीना लगेगा। 100 करोड़ एडवांस। चेन्नई, मुंबई, कोलंबो में किसी भी एजेंट के पास कन्वर्ट करा सकते हो। 80 करोड़ कोलंबो में बदल लूंगा और 20 करोड़ गुजरात में ले लूंगा। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस डील। जय श्री कृष्ण। ले, गुजरात जाकर 20 करोड़ ले ले, और इतना जरूर याद रखना कि वहां से पाकिस्तान तक एक एक ऑफिसर्स को मिलना चाहिए, और अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसकी टांग ही उखाड़ दूंगा। क्या हुआ भैया, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? अभी तो आपकी खुशी के दिन है और आपके पोते ने तो तिरुनवेली में तहलका मचा के रखा है। वो अपने बाप से एक कदम आगे है, हाँ। साक्षात भगवान का अवतार बन करके आया है।
हाँ बोलो। रावण से मिलने कुछ लोग उसके पास गए थे, उनके बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई। इंस्पेक्टर रमेश को फॉलोअप करने बोलो। ओके सर। सर एयरपोर्ट से इंस्पेक्टर रमेश। सर वो 3:30 की फ्लाइट से चेन्नई से अहमदाबाद आए थे सर। और क्या खबर है? और अभी मॉर्निंग फ्लाइट से वो लोग वापस अहमदाबाद से चेन्नई जाने वाले हैं। ओके। धीरज सर लगता है वो लोग चेन्नई से अहमदाबाद में किसी से बात कर रहे हैं, कॉल ट्रेस करो। ओके सर। हाँ बोलो बेटा। रावण की दो फोटोज में उसका चेहरा देखिए, एक उसके पिता के पुतले के ओपनिंग के दिन और एक उसके ठीक 12 दिन बाद जब वो एक फंक्शन में गया था, उससे कंपेयर कीजिए। पहले वाले में उसके चेहरे पर दाग है और दूसरे में नहीं। उसने ट्रीटमेंट कहाँ लिया पता लगाइए। हाँ सर बोलिए। जिस दिन रावण को चोट लगी उस दिन उसकी गाड़ी का तिरुमंगलम से पलानी के चेक पोस्ट क्रॉस करने का कोई रिकॉर्ड है या नहीं, इसके बारे में फौरन पता कीजिए। ओके सर। बड़े भैया ने फोन किया था, उस पुलिस वाले को ट्रांसफर करने वाले हैं। उसे कहीं भी ट्रांसफर करने दो, हम उसे वहीं टपका देंगे। हम पर कोई शक नहीं करेगा, उसकी लाश लवारिस की तरह पड़ी रहेगी। आज हमारी फोर्स एक ऐप लॉन्च कर रही है, शहर में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो लोग इस ऐप के जरिए हमारे कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और उसके 3 मिनट के अंदर हम पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे। 3 मिनट के अंदर हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे सर? अगर बटन दबाते 5 मिनट में ओला उबर ऑटो टैक्सी आ सकते हैं तो हम लोग 3 मिनट में क्यों नहीं आ सकते? सॉरी सर। सर आपके लिए फैक्स आया सर। क्या लिखा है? आपका ट्रांसफर किया गया है सर। ट्रांसफर कहाँ किया है? पलानी में। भाई भाई उसका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है, उसकी पोस्टिंग परमानेंटली यहीं पर कर दी गई है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? शांत हो जाओ रमन, शांत हो जाओ। कमिश्नर को फोन करो। सॉरी सर, इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम डीजीपी। डीजीपी का ऑर्डर? सर बात वो, ये क्या बवो कर रहे हो? सर ये चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है सर। चीफ सेक्रेटरी का? गवर्नर का? गवर्नर और पुलिस वाले का क्या संबंध है? इस बारे में हम ज्यादा बात ना करें तो ही अच्छा है। इसे रिकमेंडेशन में डालकर कौन कैंसिल कर सकता है? सीएम कर सकता है या पीएम कर सकता है? उससे भी ऊपर। आप जानना चाहते हैं? हाँ बताओ। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट? अरुस्वामी के बेटे और प्रेसिडेंट का क्या संबंध है? आज एक बात का फैसला हो जाए। चलो सीधा ऊपर जाके एक खिड़की ढूंढो और अंदर चले जाओ। खिड़की क्यों ढूंढूं मैं? क्योंकि तेरे पापा ने भी करियर की शुरुआत खिड़की से की थी। अरे बाप रे। मेरा मतलब तुम भी पिताजी के नक्शे कदम पर चलकर इस खिड़की के अंदर घुस जाओ। ऐसा क्यों करूं मैं? वो मना है कि नहीं? चलो जाओ। गाय गाय चिल्लाने से गाय दूध नहीं देती, अब जो करना है तुम्हें ही करना है, जाओ। हाँ बोलिए। तिरुमंगलम के उमा नर्सिंग होम में जैसा तुमने बताया था रावण के ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड है बेटा। जेरॉक्स लेके रख लीजिए। सुनिए घर में कोई है क्या? इस अन्याय के खिलाफ कोई बोलने वाला है या नहीं? हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की मर्यादा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे अब क्या हुआ ये बताओ। दुनिया चूक रही है। तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? पहले मेरी दीदी की बेटी को अंदर से बाहर भेजो। क्या बकवास कर रहा है? दिया दिया बाहर आओ बेटी। मामा। हाँ तुम्हारा मामा आ गया, मैंने कहा था ना वो अंदर है। सॉरी मामा, मैं 12 बजे तक अपने घर वापस लौटने वाली थी लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कल सुबह घर वापस छोड़ दूंगा। बकवास मत करो। कितने सालों के बाद हम इज्जत से शहर में वापस आए और तुम होगी? इसे अभी के अभी दिल्ली वापस ले जा। मेरे पिताजी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो तुम? एक तो मुझसे प्यार करते हो और फिर भी मुझे अवॉइड कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। बेटी जरा रुको, जो भी हुआ है वो सच नहीं है, लेकिन बेटा इसमें इस लड़की की क्या गलती है वो तो बता। सुनो बेटा राम, तुम वो इंसान हो जो किसी से नहीं डरता, तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे मन में जो भी गलत फहमी है उसे निकाल दो। अब और कुछ सोच मत बेटा, सॉरी बोल और मना ले इसे। वारदात की जगह से हमें लॉकेट मिला है, ये रावण का लॉकेट है सर। ये तिरुमंगलम के एक सीनियर ऑफिसर ने हमें दिया सर।
मामा हाँ। तुम जाकर कहीं कार पार करो और जल्दी आ जाओ। एक तो तुम पिताजी के इनविटेशन कार्ड पर अंदर जा रही हो और मुझे भी शादी का खाना खाने के लिए बुला रही हो। तुम्हारे हाथ में जो झाड़ू है ना वो पहले जाकर दुल्हन को दे आओ और उससे कहो कि पूरे घर में झाड़ू मारे ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे। पागल तुम्हारी माँ ना। तुम पागल। अरे दीदी सुनेगी तो मारेगी। जा। अरे अरे आइए आइए आप दिल्ली से आ रही है ना। जी आइए। ये लीजिए इतने सारे एविडेंस उसे अरेस्ट करने के लिए काफी है। अरे आइए 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 आराम से आ गए ना। भाई ये विश्वनाथ की बेटी है। सेंट्रल मिनिस्टर दिल्ली में तुम सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हो और यहाँ तुम्हारी बेटी मेरी आंखों के सामने बैठी है। तुम अपनी बकवास बंद करो। शादी खत्म होने तक ही तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी। वापस आ गए। आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। दिया कहाँ है? वो अपनी फ्रेंड की शादी के लिए मुंबई गई। रावण मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी को समझो। तुम्हारी बेटी को बचाने पर भी मुझे उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन जायदाद के पेपर्स देने का वादा करके मुकर गए उसका मुझे बहुत दर्द हुआ। अब दर्द के सागर में डूबा रहे। रावण सुनो, बीवी फाइनेंस, निर्लय सेल्स, एसके ज्वेलर्स, इन सबसे मैंने 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। मेरे तिरुनेलवेली पहुंचने से पहले अमाउंट रेडी हो जाएगा। मैं 4 घंटे में उधर पहुंच जाऊंगा। प्लीज। जी भाई। क्या करूं, बहुत गिड़गिड़ा रहा है। ठीक है वेट करते हैं। ठीक है आ जा। थैंक यू। लेकिन दोबारा अपनी राजनीति स्टाइल में तेरी बेटी को बचाने के लिए तूने कुछ किया ना तो तेरी बेटी के साथ तेरी समाधि वहीं बनेगी। हाँ बोलो। रावण ने सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ को एक बार फोन किया, उसके बाद मिनिस्टर ने उसे 2 बार फोन किया और अब मिनिस्टर का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। रावण के फोन को अभी कभी टैप करो। गेट हेल्प फ्रॉम द नेटवर्क। पता नहीं अब कहाँ जाने को कहेगी। मामा 4th सेक्टर चलो। मैं मदुरई आ चुका हूँ। मेरे पास पैसे रेडी हैं। पैसे लेकर कहाँ आना है बताता हूँ। एनी अपडेट्स? मिनिस्टर का फोन ऑन हो गया है। अभी वो मदुरई एयरपोर्ट पहुंचे हैं। वहाँ पहुंचते उन्होंने रावण से बात की। उन्होंने एसके ज्वेलर्स, नेले सिल्क्स और वीवी फाइनेंस से दिल्ली से आते वक्त ही बात की है। सर सर 5 मिनट पहले रावण और मिनिस्टर ने जो फोन पर बात की थी उसे हमने रिकॉर्ड किया है। मैं मदुरई आ चुका हूँ। मेरे पास पैसे रेडी है। पैसे लेकर कहाँ आना है। यही घर है। मिलकर जल्दी वापस आ जाना। हाँ ठीक है। सर रावण मिनिस्टर विश्वनाथ को कॉल कर रहा है। थोड़ी दूर पर तुझे एक बंगला दिखेगा, वहाँ मेरे आदमियों को पैसे दे देना। मेरी बेटी कहाँ है? अरे तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। 3 घंटे पहले रावण का सिग्नल कहाँ था मुझे बताओ। 3 घंटे पहले उसकी लास्ट लोकेशन शुभलक्ष्मी पार्कवुड की है। हेलो। कहाँ पर? एक फ्रेंड के घर पर। 9:30 बजे कहाँ थी? एक शादी अटेंड कर रही थी। कौन सी जगह पर? शुभलक्ष्मी पैलेस। ठीक है अपनी लाइव लोकेशन मुझे सेंड करो। लेकिन क्यों? पूजा पटेल पेट्रोल पंप जाइए और वहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है मुझे रिपोर्ट कीजिए। धीरज कम विद मी नाउ। अब कहाँ चलना है? वापस जाना है। मैडम की गाड़ी के पीछे 2 ट्रक जा रहे हैं सर। उसका मतलब? रावण किसी को मारने के लिए यही तरीका अपनाता है। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बॉक्सेस रख रहे हैं सर। गाड़ी को फॉलो करते रहना। ओके सर। चलो जल्दी चलाओ। ट्रक्स को वापस बुला लो। ठीक है भाई। माँ और पिताजी यहाँ कैसे पहुँच गए? मामा मुझे कैसे पता? दिया को इस गाड़ी में भेजो जल्दी। ओके सर। क्या हुआ? बताता हूँ। उस कार को फॉलो करो। बस यार का। बस बस। पैसे तो आ गए, रखवाऊं कहाँ? मिनिस्टर से आए पैसे को अलग जगह मत रखना। पटाखों के साथ उसे रखवा दो, बाद में जगह बदल देंगे। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है साथ। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता।
मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ड्राइवर गाड़ी बढ़ाओ। अगर आप इतनी ही जल्दी में हैं सर, तो तिरुनवली से घूम कर क्यों जा रहे हैं? देखो, ये सब पूछने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। प्रूफ है सर, एसके ज्वेलर्स, वीवी फाइनेंस, नेल्ले सिल्क, इनसे आपको पैसे मिले हैं। अगर आपने अभी वजह नहीं बताई तो कोर्ट से आपको इंक्वायरी ऑर्डर जरूर आएगा। सर, गोडाउन नंबर 3 में बॉक्सेस रख रहे हैं सर। वहीं रहो और वॉच रखो। ठीक है सर। उस दिन दिल्ली में जब आपकी बेटी किडनैप हुई थी तो आपने कहा था पॉलिटिकल प्रेशर है, और आज आपकी बेटी की कार को 2 ट्रक्स फॉलो कर रहे थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अच्छा है, हम भी फॉलो कर रहे थे, पर ये बात उन्हें नहीं पता आपके और रावण के बीच आखिर क्या चल रहा है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसे अपनी पार्टी के लोगों से मिलवाया था। मैं संभाल लूंगा, अब जाइए। मूव। यस सर। कमांडर फोर्स, आईटी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सबको इन्फॉर्म कर दो। यस सर। सर, फैक्ट्री को सील करना पड़ेगा, तो शिवकाशी के तहसीलदार को स्पॉट पर आने को कहो। दो नंबर गेट को लॉक करो। हाँ सर, बंद कर रहे हैं सर। गेट खोलो। पुलिस, इनकम टैक्स, विजिलेंस, एनफोर्समेंट, सभी डिपार्टमेंट्स आ गए, क्या करें? पैसे कहाँ हैं? 3 नंबर गोडाउन में है। महेंद्र को फोन करो, जल्दी से ताला तोड़ो। पैसे उसके हाथ में नहीं लगने चाहिए। अगर उसके हाथ में कोई एविडेंस लग गया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। आग लगा दो। गोडाउन के अंदर लोग काम कर रहे हैं। अरे लोग गैप फोड़ में। मिनिस्टर के पैसे का कोई प्रूफ नहीं होना चाहिए, गोडाउन में आग लगाते हैं। यही वो गोडाउन है सर। इंसान है तू? जानवर भी भूख लगने पर ही दूसरे जानवर का शिकार करता है। छी! मजबूरी के नाम पर उस पटाखों की फैक्ट्री में लोग वैसे भी काम कर करके धीरे मर रहे थे, और तूने उन लोगों को पैसे के लिए जलाकर मार दिया। एक औरत के तो पेट में बच्चा तक था। ए तू किस? कुत्ते भी इतना नहीं भौंकते जितना तू भौंक रहा है। मैं जानता था कि तू ही मेरे माँ बाप का कातिल है, लेकिन मैं बदला लेने नहीं आया। मैं तो कानूनी ढंग से तेरी कह के लूंगा। तू तो कह के लेगा, मैंने तो बिना कहे ही ले ली तेरी। और 28 साल पहले तूने मेरे माँ बाप को मारा था, और यह उसकी नई फाइल। उस दिन मर्डर के बाद तेरी गाड़ी का पलानी जाकर वापस आने का रिकॉर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट से मिल गया है। मौके वारदात पर मिला तेरी चेन का ये लॉकेट। उस झगड़े में तेरी आंख में चोट लगी थी, और तूने उसका इलाज तिरुमंगलम के उमा नर्सिंग होम में करवाया था, और ये है उसके हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। तेरे पिताजी के पुतले के उद्घाटन के दिन तेरी आंख के पास कोई चोट का निशान नहीं था। अगर ये सारे सबूत मैं कोर्ट में पेश करूं तो आधे घंटे में तुझे अरेस्ट करने का वारंट मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं। 15 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया, तुझे मैं अरेस्ट नहीं करूंगा, तेरे तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। ए, मैं सिर्फ तेरे परिवार को नहीं, तेरे पूरे गांव को जलाने का सोचा था, लेकिन अब प्लान में चेंज है, और ये प्लान फेल नहीं होने वाला। अरे उस सामी की औलाद, एक एक हड्डी को पीस के कुत्तों को खिलाऊंगा। पेरुमल की औलाद, मेरे पिता ने तो सिर्फ तेरे बाप को मारा था, लेकिन मैं तुझे, तेरे दोनों भाइयों, तुम तीनों को एक एक करके मारूंगा।
पेरुमल तो गया, अब वक्त है उसकी गद्दी वंश को जड़ से उखाड़ने का। ए रामस्वामी, बाहर से रामस्वामी, अंदर आरुस्वामी। नमस्ते सर, इनकी एक बहुत बड़ी मिल है और इनका परिवार नामचीन है। इनके लड़के ने दिया बेटी को एक शादी में देखा था और उसे दिया पसंद आ गई, इसलिए रिश्ते की बात करने आए हैं। अगर आप हाँ कहें तो हम दोनों की कुंडली मिला सकते हैं। इसकी तुम्हें? लड़की लड़के को देखेगी तो उसे जरूर पसंद आएगी। जाओ साड़ी पहन कर आओ। लेकिन ऐसा क्यों माँ? पापा बुलाएंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। क्यों? तुमने भी तो साड़ी पहनी है, अगर लड़का पसंद आया तो तुम ही शादी कर लेना। पागल कहीं का, कैसी बातें करता है तुम भी तो पागलों जैसी बातें कर रही हो। हमारी बेटी राम से प्यार करती है, तुम नहीं जानती? लड़के को देखने के लिए हेलीकॉप्टर से तुमने ही तो भेजा था इसे, और अब कहती है साड़ी पहन के ना, साड़ी पहन के। जानते हो ना इसके पापा कितने जिद्दी है, बाद में बात करेंगे, अभी जाने दो। ये सब बातें बाद में नहीं हो सकती, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। अपनी बेटी के लिए मैंने लड़का देख लिया है। लगता है हम शायद देर से आए हैं। वैसे वो लड़का कौन है, हम जान सकते हैं? तिरुनल वेल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका नाम रामस्वामी है। ये देखो, रावण के मंझले भाई देवेंद्र को किसी ने मारने की धमकी दी है। तुम जाओ और उसके लिए सिक्योरिटी अरेंज करो। कमिश्नर का ऑर्डर है। घर के चारों तरफ पुलिस प्रोटेक्शन होगी और आपके साथ चार पुलिस वाले। खाकी यूनिफॉर्म पहनने वाले मुझे मेरे घर के अंदर नहीं चाहिए, चलो जाओ। सुनो कमरे, इनकी स्टेटमेंट लीजिए और उस पर इनका साइन लीजिए। साइन क्या, ईमेल भी भेज दूंगा। चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलो। पागल कुत्ता है वो, कुछ भी कर सकता है। आज रात को देवी का जुलूस निकलने वाला है, अकेले कहीं भी मत जाना। घर, खेत, ऑफिस, फैक्ट्री, हर जगह अपने आदमियों के साथ रहना। पटाखे की आवाज है। अरे जल्दी चलाओ। की आवाज है तब तक चाहे जितना चिल्ला ले, ये तभी रुकेगी जब तेरी सांस रुकेगी। ए, ए, तू बचेगा नहीं। उस औरत के पेट में बच्चा था जो पैदा होकर नई जिंदगी देखता, और तुम हरामखोरों ने उन्हें जिंदा जला दिया। तुम लोग क्या जानो माँ के ना होने का दर्द क्या होता है? शायद तुम लोगों ने उसे कभी महसूस भी नहीं किया होगा। सही कहा ना, तो तुमने मुझसे मेरा यह हक क्यों छीन लिया? क्या गलती थी, क्या गलती थी मेरी माँ की कि तुम लोगों ने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया? नहीं 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 नहीं। सर, मेथड ऑफ मर्डर से लगता है कि
इनकी किसी के साथ पुरानी दुश्मनी थी और उसने बदला लिया है। सर, जिस तरह कुत्ता दौड़ रहा है उसे देखकर लगता है कि वो जरूर उठा लेगा। उठा लेगा, उसे लैंप पोस्ट दिख गया तो वो पैर उठा लेगा। तुम क्या मतलब? वो इधर उधर घूमने के बाद आकर सर के पास सीधा सरेंडर हो जाएगा। डिपार्टमेंट का डॉग डिपार्टमेंट का ही साथ देगा ना। यहाँ आए हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स से लेकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट टीम सारे के सारे मेरे आदमी हैं। यहाँ तक कि स्निफिंग डॉग भी। अभी देखना, वो ऑफिसर आकर कहेगा कि कोई एविडेंस ही नहीं मिला। सर, हमें एक भी एविडेंस नहीं मिला। वी कैन रिमूव द बॉडी सर। ओके, प्रोसीड। एसीपी गाड़ी में बैठ रहा है। हेलो, मुझे आपसे मिलना है। मैं तिरुनल वैली आ रही हूँ। अभी कहाँ? टोल के पास हूँ। ठीक है, सिटी के अंदर बताना। यू टर्न मारकर वहीं रुको, मैं वहां आता हूँ। ओके डन। वो सिग्नल पार करके आ रहा है, उड़ा दो उसको। ठीक है। मूर्ति, तुम आगे चलो, मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। ओके सर। क्या हुआ मैडम, कैसे याद किया? मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई हूँ। पिताजी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। वो फिर से शादी कर रहे हैं? हमारी शादी के लिए। अब मैं दिल्ली वापस नहीं जाऊंगी, शादी करके तुम्हारे पास रहूंगी। हेलो, मुझे यहाँ काम करने दो, यहाँ आकर परेशान। बच गया भाई। ड्राइवर बच तो गया, मगर उसे चोट बहुत लगी है। आप सब लोग इतनी उदास क्यों हैं? हैं? आइए आइए। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। बेटा तुम बैठो। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पुलिस की नौकरी ऐसी ही होती है। जाओ बेटा, तुम कॉफी लेके आओ। आप लोग अपना अपना काम कीजिए, जाइए, मुझे बात करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी की। सर, आपने क्यों तकलीफ ली? आई एम सॉरी बेटा, उस दिन मैंने कहा था कि मैं एक बेटी का पिता बनकर तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे पॉलिटिशियन बनने पर मजबूर मत करना, तभी मैं मजबूर था। दो बार मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे बहुत टॉर्चर किया। राम, उसे छोड़ना मत। मैं चलता हूं। पिताजी, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरे घर पहली बार आए हैं और आप ऐसे ही चले जाएंगे? ये लीजिए फिल्ड कॉफी, मैंने बनाई है। अरे दिल्ली वाली, यहाँ आकर यहाँ की भाषा बोलने लगी, अपनी भाषा भूल गई। ये कोई बड़ी बात है क्या? अरे तो चुप रहना। हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, शायद इस घर में इंग्लिश ज्यादा बोलते होंगे। हम आइए जाइए कहते हैं, ये लोग गो एंड कम कहते होंगे, बस उतना ही फर्क है। तुम्हें क्या लगता है कि इंग्लिश बोलना इतना ही आसान होता है? क्यों, इंग्लिश बोलना आप लोगों को बड़ी बात लगती है क्या? तुम मेरे सवालों का ठीक ठाक जवाब दो। हाँ, पूछो। मेरे लिए? फॉर मी। तुम्हारे लिए? फॉर यू। भोजन? फूड। कुआं? वेल। डिब्बा? बॉक्स। भूख लगना? अरे हंग्री। पति? हस्बैंड। बेटा? सर। जीजा जी। ब्रदर इन लॉ। मामा। ओए ब्रोकर। हाय। और बुआ? वो बैठी है लेडी। और मार पीट दीदी करती है। और बड़ा भाई? सामी। पागल। वो मेरी दीदी। पागल। असिस्टेंट कमिश्नर रामस्वामी रिपोर्टिंग सर, आपकी सिक्योरिटी के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। हमारे डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट आई है। क्या है? आज रात को 10 बजे किसी गैंग ने आपको मारने का प्लान बनाया है। ये क्या बकवास कर रहे हो? इसलिए आपको मीटिंग कैंसिल करके तिरुना वैली से। तुम जानते हो किसे मीटिंग कैंसिल करने के लिए कह रहे हो? लोहा, लोहा हूँ मैं। मीटिंग में जाने का फैसला कर ही लिया है तो उसकी सिक्योरिटी फॉर्मेलिटीज के लिए मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आप इन लोगों को बाहर जाने के लिए कहेंगे? आज रात को 10 बजे आपको मारने वाला आदमी मैं हूं सर। बेटे, तुम्हारी हर बात इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, तुमको पता है?
उस कैमरा में साउंड रिकॉर्ड नहीं होता, ये तुझे नहीं पता ना? हो सके तो बचने की कोशिश करना सर। hey! फोन को शर्ट की पॉकेट में नहीं रखते, हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। hey! हार्ट को बाहर निकाल कर ही हम यहाँ राजनीति करते हैं। वो क्या तुम्हें 10 बजे मारेगा? देखना, उसे भीड़ में 9:30 बजे उसे मार दूंगा। गुजरात से फोन आया भाई, 2 दिन में पैसे डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, शायद आपको जाना पड़ेगा। बाद में बताऊंगा। आज होने वाली मीटिंग में इंटेलिजेंस के बहुत आदमी होंगे, किसी को पता ना चले कि आप लोग रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं। आज वो भीड़ के बीच फंसा है, सबको चाकू दे दो, कहना मौके की तलाश में रहे। बस पिस्टल पास करते रहिएगा। मैं यहाँ का लोकल हूँ, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। काम होने के बाद चाकू तुम्हारे पास होना चाहिए। और फिर फाइनली आप मिनिस्टर को कॉल करेंगे। 9:29 पर भीड़ में एक बॉम्ब रख देना, और फिर 7 सेकंड में ही मारोगे तुम, लेकिन मेरी स्टाइल में। यहाँ पे आए सभी लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय महेंद्र जी अपने राज्य के लिए और राज्य के नागरिकों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो सबका भला सोचते हैं। अपनी जनता को ज्यादा महत्व दिया है, ना कि अपने आप को और अपने परिवार को। जनता की सेवा कर कमांडो फोर्स को तुरंत आने के लिए कहो। नहीं रावण, मैंने कमांडो फोर्स बुलवा लिया है। तुम डरो मत, आज वो आखिरी सांस लेगा। अभी टाइम क्या हुआ है? 8:55 हुआ है सर, लेकिन हमारे लिए 9:55 है। सब अपने अपनी घड़ी में ला लीजिए, सभी रेडी रहना। सर, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई है जो सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही इस्तेमाल होगी। सरकार से वो मांग करेंगे कि हर एक नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों में बिजली की कमी ना हो। अरे अरे, ये लाइट को क्या हुआ? पुलिस का पोस्टमार्टम खत्म होते ही हमें बॉडी को कोलंबो ले जाना होगा, और कल क्रियाकर्म होने के बाद आपको गुजरात जाना होगा। पैसे डॉलर में कन्वर्ट हो चुके हैं भाई, परसों किसी भी हालत में उन पैसों को वहां से निकालना होगा। रावण, तुम एक बार लंका आकर जाओ। मैं यहाँ उसे मारने के पीछे पड़ा हूँ और आप मुझे बुला रही हैं? मारने वाले को मिटाने के लिए अपने शरीर और दिल की ताकत को मेरे से लेकर जाओ रावण। आओ सर, उन्होंने एक मिनिस्टर को मारा है, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था सर? मिनिस्टर जी को धमकी मिली थी, पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें मीटिंग में जाने से मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माने। सर, आपका डिपार्टमेंट अब क्या करने वाला है? अभी हमारा पहला काम होगा जिंदा बचे हुए रावण को किसी तरह बचाना, इसलिए हम उन्हें एडवाइस देते हैं कि वो अपने घर श्रीलंका चले जाएं और थोड़े दिन वहीं रहें, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ तो डिपार्टमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सुनिए, हम सीधा घर चलते हैं। बेटा, बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? तिरुनल वैली को बचाने आया है सामी, अभी 2 लोगों की लाश मिली होगी तुझे, वो क्यों मरे ये तुम नहीं जानते, उन्हें मारने वाला मैं और उन्हें मारा क्यों ये बात सिर्फ तुम जानते हो। अरे रुक रुक, जी के पार्क में और 2 लोग शहीद हो गए। कौन है तू? रावण, तुझे तो मैं, जब तक मैं तेरी चिता को आग न लगा दूं, यहाँ एक के बाद एक लाशें गिरती रहेंगी।
अभी ये सब क्या हो रहा है? दोनों फिर से मारे गए। शहर के सारे लोग कंफ्यूज हैं। सब वो रावण अभी एयरपोर्ट रूट पे जा रहा है सर। क्यों रे, कुत्ते की तरह सूंघते हुए मेरा पीछा नहीं करेगा? अपने शहर के रेलवे क्रॉसिंग में एक कार खड़ी है और कुछ ही देर में एक दूसरी कार आकर उस कार से टकराएगी। ए! ट्रेन में बैठने वाले तो सफर कर ही रहे हैं, अब कार में बैठने वाले की फैमिली भी सफर करेगी। जा तू भी सफर कर ले। क्या बात है बेटी, बोलो। पिताजी क्या हुआ, आप बिना बताए अचानक दिल्ली जा रहे हैं? मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। क्यों पिताजी, क्या हुआ? गेटकीपर से मेरी बात करवाइए। अब जल्दी निकाल। पावर में रहकर बदनाम होने से बेहतर होगा कि मैं कुर्सी ही चढ़। ठोक ठोक। अरे सामने लिखा रुको, 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 रुको। अरे अरे ट्रेन आ रही है, सर मिट्टी में लैंड करते ही मुझे सबसे पहले यह खबर मिली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भिखारी मरे या कोई बड़ी हस्ती, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे दुख की बात होती है जब एक बाप अपने बेटे की चिता को आग लगाता है, तो जानता है ना, अब उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है। रावण ने जब कल आपसे बात की थी सर, तब वो श्रीलंका में था, लेकिन हमें खबर मिली है कि वो त्रिवेंद्रम से सूरत ट्रैवल कर रहा है। हमने अभी एयरलाइन से पता किया है, लेकिन उसे इंडिया में आने का इमिग्रेशन अब तक नहीं मिला है। वो त्रिवेंद्रम बाय बोट आया होगा, चेक करके बताओ। सर आउट। मिनिस्टर के कातिलों की मौत की खबर छप गई है। ये ऑपरेशन थिएटर नहीं है, पोस्टमार्टम टेबल है, तो अब भी बच सकता है। बस बता दे वो किधर जा रहा है, रावण का इंडिया का मोबाइल नंबर क्या है। अगर तूने अभी जवाब नहीं दिया तो तू इस दुनिया का पहला इंसान होगा जिसका जीते जी पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टर शुरू करो। सर सर मैं बताता हूं सर। हाय राम। अपने बैच में से कोई गुजरात में काम करता है? अरे अपना रामजी है ना, जो गुजरात में कलेक्टर है, ये सब लोग तो मेरे ही ग्रुप में हैं। We have a target to achieve, संतोष। सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लो और फिर मुझे कॉल करो। ओके राम, इमीडिएटली। हाय संतोष, यू आर ऑन कॉन्फ्रेंस। ओके, गुजरात से पाकिस्तान अगर जाना है तो उदयपुर होकर ही जाना होगा। We will do it. हम जरूर करेंगे। ओके राम। बोलिए। गुजरात से लेकर राजस्थान तक सारा ऑफिसर्स को पीसा दे चुकिया है, आपने चेक पोस्ट पर कोई नहीं रोकेगा, पर जैसलमेर पार करवा के बाद पाकिस्तानी गैंगस्टर्स को प्रॉब्लम है, तो आप संभल कर रहना। मैं वेपन से पूरी तरह लोडेड हूँ, देख लेंगे। डीजीपी से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि राजस्थान की पूरी फोर्स हम यूज कर सकते हैं। अभी वो जैसलमेर सिटी पार कर चुके हैं, उनके सैंड डस्ट एरिया क्रॉस करने से पहले उन्हें पकड़ सकते हैं। यह ऑपरेशन हम सक्सेसफुली फिनिश करेंगे राम, इंडियन सिविल सर्विसेज के रिकॉर्ड में अपने बैच का एक रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे।
गाड़ी चला, गाड़ी चला, गाड़ी चला। जल्दी चलाओ, जल्दी। संतोष, वेयर आर यू? Are you okay? Ram, Ram, मेरी बात सुनो। एक सेकंड यार। मैंने देख लेंगे। तुम जाओ। तेज चला। उसे आगे से डाइवर्ट करवाते हैं। तेज चला। उड़ा दे। कब तक भागेगा रावण? Yeah.
सुन ले, तूने मुझे मारने की कसम खाई थी ना, मुझे अरेस्ट करके ले जाना है, अच्छा होगा मुझे यही मारते हैं। अब अगर तू मुझे तिरुनेलवेली लेकर गया तो वहां खून की नदियां बहेंगी। कैप्टन, क्या हुआ? लगता है डर गया, इसलिए बीच रास्ते में उतार दिया या कहीं तेरा इरादा तो नहीं बदल गया? तमिलनाडु का पुलिस ऑफिसर राजस्थान में एनकाउंटर करे तो क्यों है, शर्म नहीं आती तुझे? ना तो मैं तुझे मारूंगा, ना कोई केस दर्ज करूंगा, ना ही जेल भेजूंगा। तुझे जिंदा छोड़कर जा रहा हूं। इतनी आसानी से मार दिया तो जिंदगी की कीमत नहीं समझेगा, दर्द का एहसास नहीं होगा। तूने ही कहा था ना, सबसे बड़े दुख की बात होती है जब पिता बेटे की चिता को आग देता है, और दादा पोते की। सबसे दुख की बात क्या होती है बताएं? अपनी खुद की चिता को आग देना। इस जगह के चारों तरफ 250 किलोमीटर तक एक गांव नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है, एक पेड़ भी नहीं है, और तो और तेरा हाल पूछने के लिए एक इंसान तक नहीं है। जिंदा रहने के लिए चलने लगेगा तो एक हफ्ते में मर जाएगा, दौड़ने लगेगा तो एक दिन में। खुद को धीरे धीरे मरते हुए अपनी आंखों से देखेगा तू। और सुन, तू श्रीलंका गया था उसका रिकॉर्ड है, लेकिन दोबारा इंडिया वापस आया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और हाँ, तेरा बाप सामी के डर से भाग गया, ये पूरा शहर अब भी विश्वास करता है। अब तेरा डर के भागने का इतिहास मैं अपने हाथों से लिखूंगा। वो 6,500 करोड़ रुपए स्मगल करने वाला था पर नहीं कर पाया। रावण का साला महादेव पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। तो रावण अभी कहाँ है सर? पुलिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक वो डर कर श्रीलंका भाग गया है। श्री आरु स्वामी के बेटे श्री राम स्वामी का और तिरुनवेली के श्री विश्वनाथ और शांति की बेटी कुमारी दिया की मंगनी घर के बुजुर्गों की उपस्थिति में हो रही है। सभी बुजुर्ग उनके सुखी और संपन्न जीवन के लिए आशीर्वाद देंगे। ईश्वर भी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। शुभमस्तु।